ऐसी बातें कही हैं, इवन पूर्व राज्यपालों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसी चिड़िया वैसी चिड़िया तो कैसी चिड़िया। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहता है, तो बड़े ध्यान से राज्यपाल के टॉपिक को आप लोग समझिएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत यहां से हम कर देते हैं राज्यपाल के साथ में। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें राज्यपाल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है राज्य की कार्यपालिका का आप देखेंगे वो राज्यपाल है। सेशन को सभी मित्रों को शेयर कर दे। आप देखेंगे कि राज्य की जो कार्यपालिका के जो आर्टिकल हैं, मतलब 152 से लेकर राज्य की कार्यपालिका स्टार्ट होती है, 167 तक आप इसे कंप्लीटली पढ़ते हैं। इसका मीनिंग है कि 153 से आप देखेंगे, 153 से लेकर पूरा का पूरा, 153 से अगर मैं चलूं 162 तक पूरा का पूरा आपको राज्यपाल नजर आता है। पूरे के पूरे राज्यपाल के आर्टिकल है। मुख्यमंत्री की आप बात करते हैं तो 163 से लेकर 164 के बीच में ये जो दो आर्टिकल्स हैं, 163 164, ये दो आर्टिकल्स मुख्यमंत्री अपरस मंत्री परिषद दोनों को यहां पर कवर कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता का आर्टिकल है। इसके बाद अगर आप देखते हैं 65 के बाद में दो आर्टिकल है, आर्टिकल 166 की बात करेंगे अनुच्छेद 166, और आर्टिकल 167 की बात करेंगे 167। ये बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब राज्य सरकार के जो कार्य होते हैं, बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। आप इन आर्टिकल को, इस अनुच्छेदों को बड़े कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, और इस पूरी राज्य की कार्यपालिका की जो है क्लासेस में चलाने वाला हूं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो राज्यपाल का टॉपिक है। राज्यपाल के टॉपिक को आप इंजॉय करें, मजे के साथ पढ़ें। एक बार जरा सेशन को अपने को मैं भी शेयर कर देता हूं। एक समय, 1 सेकेंड का वक्त लगता है सेशन को शेयर करने में, कोई बहुत बड़ा समय तो लगता नहीं है। तो 1 सेकेंड के अंदर मैं भी अभी सभी विद्यार्थियों को सेशन को शेयर कर दूं, और आप भी कोशिश कीजिए कि हमारे सभी विद्यार्थियों तक सेशन को पहुंचा दीजिए। इससे कि आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद होगा। आप एक बार करके थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जो है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो रखी है, तो सभी विद्यार्थियों को क्लास मिल जाए तो उनका और आपका, हम सबका भला हो जाएगा। क्या क्या बोला मैंने, गलत बोला मैंने, बताइए जी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। इसी प्रकार से अब चलते हैं क्लास को लेकर, आगे बढ़ते हैं। अब क्लास आगे कैसे चलती है आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां से अब मैं आपके सामने लेकर चलूंगा राज्यपाल का टॉपिक, गवर्नर का टॉपिक। गवर्नर हमारे देश में क्यों महत्वपूर्ण है, गवर्नर का पद हमारे देश में क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों को आप समझिए। देखिए राज्यपाल के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो सीधे सीधे एक अनुच्छेद है 153, मतलब 152 जो अनुच्छेद है वो तो आपको पता है, सीधी बात करता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। 153 जो अनुच्छेद है वो साफ तौर पे कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 साफ तौर पे इस बात को आपको बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यही स्टेटमेंट साफ तौर पे आपसे बार बार कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक कौन होगा, राज्यपाल होगा, एक गवर्नर होगा। लेकिन अब यहां पर स्टेटमेंट जो है ये आपको बदल के देखने के लिए मिलेगा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन इस बात को 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इसमें बदलाव कर दिया गया। मैंने आपसे क्या कहा, इसी पॉइंट को 7वें संविधान संशोधन, मित्रों बड़े गौर से बातों को समझिए, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब हुआ, 1956 में हुआ। इसके माध्यम से परिवर्तन कर दिया, एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति जो भी कोई भी राज्यपाल है, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के, याद रखेंगे एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत ही बेसिक से फंडामेंटल चेंज हो गया कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति राज्य का राज्यपाल होगा, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब राज्यपाल के बारे में बड़ी बेसिक सी बातें आप कर लीजिए। जिस प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है, उसी प्रकार से हमारे राज्यों में राज्यपाल का पद है। एक प्रकार से आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, सबको चौन तो है प्रॉपर, ऐसे भी आपसे कह सकता हूं कि जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका में शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका में शक्तियां राज्यपाल के पास निहित होती हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। हमारे एप्लीकेशन के भाई भी हमें देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नोटिफिकेशन गया एप्लीकेशन का। चलिए दोस्तों आइए,
लेकिन एक फर्क है, और फर्क क्या है कि राष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में वो निर्वाचित है, जबकि राज्यपाल का जो पद है ये मनोनीत है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि अपॉइंटेड है, मनोनीत नहीं, अपॉइंटेड है। तो राष्ट्रपति तो निर्वाचित है, लेकिन राज्यपाल जो है ये कैसा है, अपॉइंटेड है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये वाली जो प्रथा है ये थोड़ी अलग है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राज्यपाल का जो पद होता है राज्यों में वो भी पूर्ण तरीका से कैसा होना चाहिए था, वो भी पूर्ण तरीका से जो है इलेक्टेड होना चाहिए था। लेकिन इस वाली जो प्रोसेस है कि हमने राज्यपाल का जो पोस्ट है उसको हमने इलेक्टेड की बजाय अपॉइंटेड लिया है, ये हमने कनाडा से कॉपी किया। आप देखेंगे जो कनाडा है, कनाडा में आप देखेंगे कि वहां पर जो राज्यपाल है, या मैं इसे कह सकता हूं जो गवर्नर है, ये जो गवर्नर का जो पोस्ट का जो हम अपॉइंटमेंट करते हैं कि गवर्नर का जो पद है ये अपॉइंटेड होगा, इस वाली बात को हमने कनाडा से ले रखा है। और इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर आप मेंस देते हैं या कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि राज्यपाल का जो पद है हमारे देश में इलेक्टेड नहीं है, क्यों ये हमारे देश में अपॉइंटेड है। तो इसके पीछे कारण आता है, बड़ी सिंपल सी बात आप जानते हैं कि राज्यों में दोहरी एक प्रकार से सरकार संचालित हो जाएगी। अगर राज्यपाल का जो पोस्ट होगा, अगर उस पोस्ट को भी आप लोग कैसा कर देंगे, इलेक्टेड कर देंगे, तो दोहरी सरकार का संचालन हो जाएगा। देखिए हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री का जो ढांचा है वो फेडरल टाइप का है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार में अपने एजेंट के तौर पर राज्यपाल की नियुक्ति करती है। अगर राज्यपाल भी निर्वाचित होने लग गया तो राज्य सरकार का जो ढांचा है वो बेकार हो जाएगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक राज्य में दो जनता के चुने गए प्रतिनिधि किस प्रकार से सरकार को संचालित करेंगे। इसका सीधा सा मीनिंग ऐसा है कि राज्यपाल की जो पोस्ट है ये सिर्फ कैसी पोस्ट है कि ये जो केंद्र सरकार का एजेंट, तो कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि राज्यपाल क्या है, तो राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट के तौर पर भी देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का जो एजेंट है वो राज्यपाल का पोस्ट है। मुझे लगता है यहां से प्रश्न आपके सामने बनता है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में से राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न आपसे पूछेगा क्या राज्यपाल केंद्र सरकार का राज्यों में एजेंट है। स्टेटमेंट नंबर दूसरा पूछेगा क्या राज्यपाल का जो पद है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्टेटमेंट नंबर दूसरा हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो गए, मेरी समझ में आपकी आपकी समझ में मेरी बात आ रही है ना, बहुत ही क्लियर से चीजों को अपने साथ रखिए। कैसे कैसे है, आपसे पूछ सकता है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह प्रथा हमने कौन से कंट्री से ली है, तो आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आता है ये प्रथा हमने कनाडा से ली है। अब कनाडा से क्यों ली है, आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जो कनाडा की संघीय व्यवस्था है, हमारा जो सेंटर है ये ज्यादा कठोर है, हमारी जो यूनियन है इसकी तरफ हमारी जो पावर्स हैं वो टिल्टेड हैं, हमारा जो संघ है इसकी तरफ हमारी शक्तियां टिल्टेड हैं। देखिए आप एक प्रकार से देखिए कि फेडरल का मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जहां पर भी हो उसे आप संघ कहेंगे, उसे आप कहेंगे कि सर यहां पर फेडरल सिस्टम है। लेकिन अगर केंद्र ज्यादा मजबूत है या राज्य ज्यादा मजबूत है तो अब शक्तियों का विभाजन तो ठीक है, लेकिन शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसका उसका बैलेंसिंग ऑफ पावर कैसा है। तो हमारे यहां जो हमारा संघ है ये थोड़ा सा कठोर है, इसीलिए ये जो प्रोविजंस हमने ले रखा है ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इस बात को हमने अडॉप्ट कर रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेसिक समझ चुके होंगे, बेसिक बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, और इसी प्रोविजन की वजह से बहुत सारे लोगों ने यह कहा, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि राज्यपाल के पास तो कुछ होता ही नहीं है। और यकीन मानिए कि राज्यपाल जो है उसके बारे में पूर्व राज्यपालों ने बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी बातें कही हैं, अजीब अजीब सी बातें उसके बारे में लोगों ने कह रखी है, अजीब अजीब सी स्टेटमेंट राज्यपाल के बारे में कह रखे हैं, बहुत सारी बातें राज्यपाल को लेकर लोगों ने कही है। तो ये बात एकदम सही है कि राज्यपाल जो है एक प्रकार से कोई बहुत पावरफुल पोस्ट नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और राज्यपाल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है ये अनुच्छेद आप पढ़ेंगे सीधे तौर पे एक आर्टिकल है जिसका नाम है अनुच्छेद 155। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मीनिंग हुआ आप सिंपल भाषा में लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये प्रश्न बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको बताता हूं गवर्नर के टॉपिक पर अगर कोई एमसीक्यू सर्वाधिक बार पूछा गया है तो यही एमसीक्यू है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हमेशा याद रखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे या आपके मन में विचार आएगा कि सर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति अपने मन से करते हैं या फिर कोई प्रोविजन है इस बात के लिए। आप ये सब जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में भली नियत रहती हैं, भली नियत रहती हैं अनुच्छेद 53 के तहत, लेकिन इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति हमेशा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। इसका मतलब आप देखेंगे अनुच्छेद 74 और 75 में आप क्लियरली जानते हैं जो राष्ट्रपति के अधीनस्थ डिफाइन है या जो राष्ट्रपति के सबऑर्डिनेट डिफाइन है, इन्हीं सबऑर्डिनेट के माध्यम से, एक प्रकार से मैं इस बात को दूसरे अंदाज में कह सकता हूं कि मैं सरकार का नाम ले सकता हूं कि जो संघ सरकार होती है, संघ सरकार ही ये बताती है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति करेंगे। यही कारण है कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है, हमेशा विवाद चलता रहता है। इवन सरकार या आयोग बना, सरकार या आयोग की रिकमेंडेशन में यही बातें क्लियर की गई, बार बार यही मुद्दा सामने आया कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर करता तो राष्ट्रपति है लेकिन सरकार बताती है। अब सरकार किस व्यक्ति को एज ए पोस्ट ऑफ द गवर्नर पे अपॉइंट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि राज्यपाल की वजह से केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं ये बड़े लेवल पर प्रभावित होते हैं। आप ये जानते हैं अनुच्छेद 356 आपने पढ़ा होगा कि उसमें अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल की बड़ी भूमिका उसमें रहती है। हर जगह केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध है वो राज्यपाल की वजह से प्रभावित होते हैं। इवन राज्यपाल ऐसा पोस्ट है कि जो राज्य की विधायिका को, अगर आपने अनुच्छेद 201 पढ़ा होगा, आर्टिकल 201 अगर आपने पढ़ा होगा, तो अनुच्छेद 200 अगर आपने पढ़ा होगा, तो राज्यपाल राज्य की विधायिका के बिल, जो भी बिल विधेयक होते हैं उन तक को प्रभावित कर सकता है। तो सोच के देखो राज्यपाल कितना बड़ा, कितना बड़ी चीज हो जाती है। आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का आंतरिक हिस्सा है, आप सब ये जानते हैं, पर उसके अपॉइंटमेंट में जो पूरी भूमिका है वो पूरी की पूरी भूमिका संघ सरकार की रहती है और राष्ट्रपति के माध्यम से संघ सरकार जो है ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट करवाती है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट करवाती है। इस बात को आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। प्रश्न आपसे बार बार इसी अंदाज में पूछा जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इसी अंदाज में बार बार आपसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, इसी अंदाज में बार बार चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, इन सारी चीजों को आपको बार बार समझना है, इन चीजों को आपको जानना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की पोस्ट की अर्हता क्या है, राज्यपाल की पोस्ट की अर्हता क्या है, क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, कि जो गवर्नर की पोस्ट है इस गवर्नर की पोस्ट के लिए कौन सी अर्हताएं, कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, कौन सी योग्यताएं गवर्नर की पोस्ट के लिए आपके पास होती हैं। ये बड़ी बेसिक बात होती है, बड़ी बेसिक सी चीज आपको समझनी है, बड़ा कॉमन सा सिंपल सा साधारण सा पॉइंट आपको समझना है, बड़ी बेसिक सी बात आपको यहां पर जाननी है। देखो अर्हता की बात करोगे, क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर की बात करोगे, तो एक अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद है आप जानते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की अर्हताओं के बारे में आपको बताया गया है। अब यहां पर बच्चे भयंकर लेवल पे कंफ्यूज होते हैं कि राज्यपाल की अर्हताएं कौन सी है, बड़ा भयंकर कंफ्यूजन यहां पर दिमाग में रहता है क्योंकि किताबों में भी इस प्रकार से मिक्स करके चीजों को लिख दिया गया है कि आर्टिकल 157 और 158 दोनों का ही कतई नाश कर दिया है, किताबों ने दोनों का ही कतई नाश कर दिया है। अगर एग्जामिनर थोड़ा ढंग का प्रश्न बना के यहां से पूछ ले तो दोनों में ही गलतियां जो है आपकी हो जाती हैं। राज्यपाल की पदावधि आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें आप क्रम के अकॉर्डिंग चलिए, सारी चीजें आप पढ़ेंगे। राज्यपाल के जो आर्टिकल्स हैं बड़े बेसिक हैं, 153 में राज्यपाल होता है,
54 में राज्यपाल की शक्तियां होती हैं, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, 156 में राज्यपाल की पदावधि होती है, 157 में राज्यपाल की क्वालिफिकेशंस होती है, 158 में राज्यपाल की पोस्ट की क्वालिफिकेशन होती है, 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन है, 160 में राज्यपाल की पावर्स के एक्सटेंडेंट के बारे में वर्णन है, 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में वर्णन है। बड़े सिंपल और बड़े लॉजिकल से इसके आर्टिकल से कुछ है नहीं, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा और बड़े ध्यान से आप चीजों को समझते चलिए, आपको बड़े अच्छा बेनिफिट इससे हो जाएगा। अर्हताओं की बात करेंगे तो सीधी तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली अर्हता क्या कहती है कि भारत का नागरिक हो। पहली अर्हता कहती है कि भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। यह बात आपकी समझ में आ रही है, वह भारत का नागरिक हो, ये नंबर वन की अर्हता है कि वो ही शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो सॉरी ये मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब मैं बार बार इस बात को बोलता हूं भारत का नागरिक हो, या मैं प्रश्न आपके सामने आपको घुमाता है कि जन्म से होना चाहिए या साधारण होना चाहिए। याद रखना 1955 के अधिनियम के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं, आप ये सब जानते हैं। पांचों तरीकों में से किसी भी प्रकार से व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया हो, बस एक खासियत है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता इसी में डिफाइन है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसका मतलब आयु पूरी कर चुका का मतलब क्या है कि वह 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, 35 साल का एज उसका पूरा हो चुका हो। He must have completed the age of 35 year. मतलब उसकी जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है, याद रखेंगे इस बात को, ये बार बार आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि जो उसकी मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है कि उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, याद रखें उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम उम्र के बारे में जो वर्णन है वो है 35 साल की उम्र उसकी कम से कम होनी चाहिए। या आप पूछेंगे सर अधिकतम सीमा का कहीं वर्णन है, तो आज का आंसर है राज्यपाल की आयु के बारे में अधिकतम सीमा का कोई वर्णन नहीं है, न राष्ट्रपति के बारे में न राज्यपाल के बारे में, अधिकतम आयु के बारे में किसी प्रकार का वर्णन यहां पर नहीं है। आप इस बात को विशेष तौर पर समझ लेंगे, अधिकतम आयु का कोई वर्णन जो है यहां पर नहीं किया गया है, इस बात को आप जान लें। अब बच्चे पूछते हैं सर इसकी योग्यता में कोई पढ़ा लिखे की योग्यता है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कौन सी चीज के पास होनी चाहिए। याद रखें राज्यपाल के संबंध में इसकी लिटरेसी के मामले में या इसकी पढ़ाई लिखाई या इसकी एजुकेशन के मामले में यहां पर किसी प्रकार की योग्यता का कोई वर्णन यहां पर नहीं किया गया है। इसी राज्यपाल की अर्हताओं को आप पढ़ते हैं तो इसी का एक्सटेंशन आपको जो वर्जन दिखाई देता है वो आर्टिकल 158 दिखाई देता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अनुच्छेद 158 में ऐसा क्या है जो 57 में नहीं है। अब मेरी बात जो है इसको जरा ध्यान से समझें, हालांकि यहां पर मेंशन नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूं कि 158 में इसके बारे में क्या लिखा है, और बच्चे क्या करते हैं 57 को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 158 में साफ तौर पर राज्यपाल के बारे में क्या मेंशन है, गवर्नर के बारे में साफ तौर पर यहां पर मेंशन है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की पोस्ट की क्वालिफिकेशन है, मतलब जो कंडीशंस होती है कि उसकी जो पोस्ट है, कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर कि उसकी जो पद है ना उसके पद की शर्तें यहां पर मेंशन है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि पद की शर्तें का मतलब क्या हो गया, तो देखो इसके पोस्ट की जो शर्तें हैं बड़ी साफ साफ क्लियर है। पहली जो पोस्ट की शर्त है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, आप बातों को समझेंगे, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना हो, पहली चीज तो याद रखेंगे ये इसकी पद की शर्त है। ये दूसरी इसकी शर्त है वह किसी भी संसद के सदन मतलब संसद के दो सदन होते हैं, आप चाहे लोकसभा की बात कर लें और चाहे आप जो है राज्यसभा की बात कर लें। मैंने क्या कहा, आप चाहे लोकसभा की बात कर लें और चाहे आप राज्यसभा की बात कर लें, तो संसद के किसी भी सदन का, इसके बाद आप देखेंगे राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का, जो भी राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल में आपको पता है कहीं कहीं पर दो सदन होते हैं और कहीं कहीं पर एक सदन होता है, चाहे वो विधानसभा की बात कर लें
ना तो विधानसभा में और ना विधान परिषद में। तो राज्य की विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप समझ गए। इनमें से दोनों में से किसी का भी राज्यपाल मेंबर नहीं होना चाहिए। यह बात 158 में मेंशन है, 158 अनुच्छेद में ये जो पॉइंट है ये साफ तौर पर मेंशन है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं 157 के अंदर किताबों में आप इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक्स में आप देखेंगे, किताब में आप देखेंगे तो बुक्स में आपको 157 आर्टिकल के अंदर ही यह पॉइंट आपको मेंशन मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। 35 ईयर भारत का नागरिक हो, दिलवाली हो, अच्छा ठीक है, दिवालिया वगैरह ना हो, ये सारी सारी चीजें जो है। अब बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि ये उसी के अंदर मेंशन है और इसी वजह से आप जो है बहुत बड़ी गलती यहां पर कर देते हैं। वो सारे बेसिक पॉइंट हैं कि दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये 158 के आर्टिकल से मतलब 158 के पॉइंट है कि वह किसी भी संसद के सदन का या राज्य के विधानमंडल का मेंबर नहीं होना चाहिए। ऐसी योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को, ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 का यूज करके नियुक्त किया जा सकता है। अब प्रश्न आपके सामने कैसा बनेगा, आपसे एग्जाम में बड़ी बेसिक बात पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए श्रीमान जी, राज्यपाल को, क्या राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? आपका आंसर आएगा नहीं, राज्यपाल किसी भी सदन का कभी भी सदस्य नहीं हो सकता, न राज्य के विधानमंडल का न संसद का। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, यह राज्यपाल के पद के संबंध की जो शर्त भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में मेंशन है? आपका आंसर आएगा यह शर्त राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद 158 में मेंशन है, आर्टिकल 158 में सारी की सारी बात कही गई है, आर्टिकल 158 में सारा का सारा पॉइंट जो है मेंशन है। अब ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, जो पागल दिवालिया ना हो, ऐसी योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद या संघीय मंत्रिपरिषद की जो उनके पास अनुशंसा या अनुमति वहां पर साफ तौर पर होनी चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, आप इस पॉइंट को क्लियरली समझ रहे होंगे, इस पॉइंट को जान रहे होंगे। अब ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति, अब उसकी शपथ होती है, शपथ में बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछी जाती है, शपथ में बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछी जाती है। पहला प्रश्न यहां पर आता है कि राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये बनता है। तो राज्यपाल की शपथ के बारे में जो वर्णन है ये अनुच्छेद 159 में है, आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन है। आपने क्लियरली पढ़ा है, आप क्लियरली जानते हैं कौन से आर्टिकल में, 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में यहां पर एक क्लियर वर्णन है। अब राज्यपाल शपथ कैसी लेता है और कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? देखो, राज्यपाल हमेशा शपथ लेता है संविधान की, राज्यपाल हमेशा शपथ लेता है संविधान की। अब संविधान की शपथ में क्या क्या चीजें वर्णन है तो आप देखेंगे संविधान के परिरक्षण की, याद रखेंगे परिरक्षण की, संविधान के परिरक्षण की पहली चीज, सेकंड बात है संविधान के प्रतिरक्षण की, प्रतिरक्षण की, और थर्ड पॉइंट है संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है भारत का, मतलब किसी भी राज्य का राज्यपाल। इसका मीनिंग हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा और डिफेंड करेगा, याद रखें। इसका मीनिंग हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। इसकी शपथ राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। बड़ी बेसिक सी बात है, बड़ी बेसिक सी बात को आपको समझना है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन है जो साफ तौर पर बताती है कि राज्यपाल की यह शपथ होगी। अब बड़ी बेसिक सी बात यहां पर बनती है कि राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? सर, यूट्यूब पर ही कंप्लीट कराओगे क्या? नहीं, यूट्यूब पर कंप्लीट नहीं कराऊंगा, यूट्यूब पर आपको बड़े फंडामेंटल लॉजिकली बातें पढ़ा रहा हूं, बाकी आप एप्लीकेशन में आ सकते हैं, पर यूट्यूब पे आप चीजों को समझ लें, ठीक है, आप बेसिक बातों को यूट्यूब पे जान लें। हमारे एप्लीकेशन पे से ज्यादा बच्चा है जो यूट्यूब पर है, तो आप एक काम करें, चीजों को समझ लें, बेसिक बातों को जान लें, कौन सी आपसे गलती होती है। प्रश्न यहां पर बड़ा बेसिक बनता है
कि राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है। बड़ा बेसिक प्रश्न यहां से बनता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। आप बताइए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का कार्य करता है आपसे सीधी बात पूछेगा कि राज्यपाल किस बात की शपथ लेते हैं, आपसे पूछेगा संविधान की रक्षा करने की, या ऑप्शंस आपके सामने होंगे तो उसी अकॉर्डिंग आप उत्तर देंगे। अब राज्यपाल जो शपथ दिलाता है राज्यपाल को, वो राज्य का मुख्य न्यायाधीश, जो भी उस हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं शपथ कौन दिलाता है। ये प्रश्न आपके सामने बनेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर इसको शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखेंगे जो भी उच्च न्यायालय है, जो भी उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय का जो भी सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करते हैं। सर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते होंगे, नहीं ये पूर्ण तरीका से गलत है। राष्ट्रपति कभी राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाते हैं। इस बात का बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बहुत सही बात है, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है, राज्यपाल को जो शपथ दिलाने कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने बेसिक सा पॉइंट समझ में आ गया, ये राज्यपाल की शपथ के बारे में इसका पूरा का पूरा वर्णन हो गया। अब बात आती है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है, राज्यपाल का कार्यपाल आपसे बार 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 कंफ्यूज करता है, या आपसे बार बार पूछा जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा। राज्यपाल का जो कार्यकाल है, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति की इच्छा तक, राष्ट्रपति की, आप सुन लें, राष्ट्रपति की इच्छा तक ये अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहता है। इसका मतलब क्या होता है, अपने पद पर, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, आपने सुना होगा टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी, जब तक बाबा की कृपा बरसेगी, तब तक राज्यपाल उस पोस्ट पर रहेंगे। आप मुझसे पूछेंगे सर क्या ये कहीं पर मेंशन है, क्या ये कहीं पर मेंशन है, तो बिल्कुल, आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 156 पढ़ेंगे, इस 156 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल का, सॉरी राज्यपाल के कार्यकाल का यहां पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है अनुच्छेद 156 में, और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से, जनरली आप देखेंगे कि जिस दिन इसने पद ग्रहण किया, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष तक रहता है। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखेंगे, उसमें साफ तौर पर मेंशन है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इसका मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राज्यपाल जो होता है ये केंद्र सरकार का एजेंट होता है, और केंद्र सरकार का एजेंट है तो जब चाहेंगे राष्ट्रपति के माध्यम से संघ सरकार जो है ये राज्यपाल को उसके पद से हटा सकती है, उसके पद से चेंजेस कर सकती है, उसके पद में बदलाव कर सकती है। ये साफ तौर पे बात जो है आपको क्लियरली यहां पर पता होनी चाहिए। अब एक बात आती है कि सर ये क्या इसके ऊपर महाभियोग जैसी कोई चीज है, क्योंकि कार्यकाल में 2-3 चीजें होती हैं। कार्यकाल में आप लोगों ने जब राष्ट्रपति को पढ़ा होगा तो आप सब ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में आपके मन में बार बार ये बात आती है कि राष्ट्रपति को इंपीचमेंट के माध्यम से हटाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। तो क्या इंपीचमेंट जैसा कोई प्रोविजन या महाभियोग जैसा कोई प्रोविजन राज्यपाल के संबंध में मेंशन है? अगर राज्यपाल संविधान की परिरक्षण की, प्रतिरक्षण की, संरक्षण की शपथ लेता है तो क्या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने पर राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है? यहां पर कई बार केरल के राज्यपाल को लेकर कई बार ये विवाद सामने आया, तो याद रखेंगे राज्यपाल के संबंध में किसी प्रकार के इंपीचमेंट या महाभियोग जैसे किसी भी प्रोविजन का, मैंने क्या कहा, या तो इंपीचमेंट आप कह लीजिए या आप कह लीजिए महाभियोग, इस प्रकार के किसी भी प्रोविजन का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं है, इसका कोई प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, इस बात को आप हमेशा
याद रखेंगे। इसका कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इम्पीचमेंट का नहीं है। हाँ, मृत्यु होने पर पद खाली हो जाए, केंद्र सरकार राज्यपाल को उठा के दूसरी जगह कर दे, कुछ भी कर सकती है 5 साल से पहले, जनरली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो पोस्ट है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए ही राज्यपाल का जो पद है उसकी इच्छा पर पूरा पूरा निर्भर करता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ये पद पर रहेगा, इसमें किसी प्रकार के महाभियोग या किसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने कभी कभी ऐसे बनता है कि अगर किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा उस संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो क्या मंत्रिपरिषद या राज्य का निम्न सदन, इसका मतलब हो गया विधानसभा, क्या विधानसभा राज्यपाल को महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है? तो वो क्या करता है, बच्चों को लगता है कि राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग है, तो राष्ट्रपति से आप कंपेयर कर लेते हो तो आप क्या गलती कर देते हो? फिर आपसे पूछा जाएगा क्या कथन सही है या कथन गलत है, हटा सकती है हाँ या ना, तो आपका आंसर सीधा सीधा हाँ ना आएगा, क्योंकि कभी भी राष्ट्रपति को इस प्रकार से, राज्यपाल को इस प्रकार से कभी भी हटाया ही नहीं जा सकता। इस प्रोविजन को अपने दिमाग में आप रखें, इसको हटाने का कोई प्रोविजन इस प्रकार से संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। कोई महाभियोग की प्रस्ताव, कोई महाभियोग की प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी संबंध में मेंशन नहीं है। अब राज्यपाल की शक्तियां और कार्य पे आने से पहले आप एक बेसिक बात और समझ लें, आप शपथ समझ चुके, तो आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, गवर्नर के संबंध में अनुच्छेदों की मैं बात करूं, तो मोटी मोटी तौर पर जो आर्टिकल्स हैं ये आपने सारे के सारे देख लिए। अब वेतन के संबंध में आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा कि राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है और उसका जो वेतन है ये किसके संबंध में है। तो अभी तक मैंने आपको जो अनुच्छेद समझाए 153 मैंने आपको समझा दिया। 53 में हमने क्या बात की कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। साथ में संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 का प्रोविजन आपने देख लिया। 154 में हमने बात की कि राज्यपाल जो होता है इस राज्यपाल के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। अब देखो 154 आर्टिकल को मैं आपको समझा देता हूं, तो 154 आर्टिकल ही यहां जो आपसे बात की जा रही है 154 आर्टिकल के बारे में की जा रही है। राज्यपाल की शक्तियां के बारे में जो वर्णन है 154 आर्टिकल के बारे में वर्णन है, मतलब आप एक प्रकार से समझ लें 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया, 154 हमें अभी देखना है। 155 में आपने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पढ़ा, तो प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं, क्लियरली आपने इस बात के बारे में जान लिया, ये पॉइंट यहां तक, सॉरी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, तो ये वाला पॉइंट आपने यहां तक देख लिया, ये आपको क्लियरली पता चल गया। ये वाला पॉइंट भी आपने समझ लिया कि राज्यपाल क्या होता है, ये सब भी आप समझ गए। 156 आर्टिकल में मैंने आपसे बात की थी कि राज्यपाल का जो टर्म है वो कितने समय के लिए होता है, आपने टर्म के बारे में बातचीत कर ली। इसके बाद हमने यहां पर आर्टिकल 157 में इसकी योग्यताओं के बारे में बातचीत कर ली कि इसकी योग्यताएं क्या हैं, और 158 में इसकी जो पद है, राज्यपाल का जो पद है इसके पद की शर्तें क्या हैं, इसके बारे में हमने बातचीत कर ली। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो टॉपिक एक जैसा है, तो कभी कभी मेरे मुंह से भी बार बार राष्ट्रपति निकलता है। 159 में इसकी जो ओथ है या इसकी जो शपथ है हमने इसके बारे में बातचीत कर ली। तो अब आपके सामने दो बातें छूट रही हैं, पहला अनुच्छेद 154 आपसे क्या कहता है और दूसरा कि राज्यपाल के वेतन के संबंध में क्या प्रोविजन है। अगर एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो उसका वेतन कहां से दिया जाएगा और उसके वेतन का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बिना समय वेस्ट करते हुए आपको राज्यपाल के वेतन के बारे में थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि कई प्रकार से मैं देख रहा हूं MPPCS में, UPPCS के पेपर में कई बार राज्यपाल के वेतन के संबंध में जो प्रश्न बनता है वो आपको घुमा देता है। देखो पहली बात आप याद रखें, राज्यपाल के वेतन के बारे में जो प्रोविजन है कि राज्यपाल को जो वेतन मिलेगा वो 158 आर्टिकल में ही है, याद रखेंगे राज्यपाल के वेतन के बारे में जो प्रोविजन है वो अनुच्छेद 158 के तहत ही है। और हाँ, राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वर्तमान में वो कितना मिलता है, 3.5 लाख रुपए, ये हो गया ना 3.5 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस लाख, हम तो 3.5 लाख रुपए गिन भी नहीं सकते ना, ऐसा नहीं है क्या, ऐसा ही है, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल का वेतन है। अब ये सब बच्चों को पता है कि राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है, सारे सारे विद्यार्थी इस बात को जानते हैं। राज्यपाल को लेकर कंफ्यूजन क्या होती है, सबसे पहली बात
कि वेतन कहां से दिया जाता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है इसका वेतन कहां से मिलता है। जब ये केंद्र सरकार का एजेंट है तो इसका वेतन कहां से मिलेगा, याद रखना इसका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है, राज्य की संचित निधि से। अब आप मुझसे पूछेंगे सर एक बात बताइए, ये केंद्र सरकार का एजेंट है, इसका वेतन देती राज्य की संचित निधि। चलो सर आपकी बात मान भी ली, आपकी बात मान भी ली, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का मतलब कार्यभार लेकर बैठा है, उस समय उसका वेतन किस प्रकार से बनेगा और उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा। तो इस बात को याद रखें कि अगर 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 एक राज्यपाल, मैंने क्या बोला, अगर एक राज्यपाल सातवें संविधान संशोधन के तहत 1956 में जो अमेंडमेंट हुआ इसके तहत अगर वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उस राज्यपाल का जो वेतन होगा, उस राज्यपाल का जो वेतन होगा वो वेतन क्या होगा, दो राज्यों में बढ़ जाएगा। मैंने क्या बोला, दो राज्यों में बढ़ जाएगा, दो राज्यों के बीच में वो क्या होगा, बट जाएगा, ये बीच में बट जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे सर एक बात बताइए, कौन सा राज्य कितना देगा, क्या 50-50% होगा या कौन सा राज्य उसको कितना वेतन देगा। सर ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी आंसर आपके सामने मेंशन है, ये निर्धारण जो करेगा कि इसका वेतन कौन से राज्य को कितना देना होगा, इसका निर्धारण करने की जो शक्ति है ये हमारे राष्ट्रपति के पास है। याद रखना इसकी जो शक्ति है ये हमारे राष्ट्रपति के पास है कि कौन सा राज्य इसका कितना वेतन देगा। अब एक बड़ा प्रश्न बनता है जो आपको पूरा कंफ्यूज कर देता है, निस्तनाभूत कर देता है। प्रश्न क्या बनता है कि राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करता है, कि राज्यपाल को जो वेतन मिलेगा उसका निर्धारण कौन करता है, कितना उसका वेतन होगा। यहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रपति करेगा या संसद करेगा। याद रखें ये जो बंटवारे का है, अगर राज्यपाल का वेतन वर्तमान में 3.5 लाख रुपए है, अगर राज्यपाल का वेतन वर्तमान में 3.5 लाख रुपए है, ये वेतन 3.5 लाख होगा, इसका निर्धारण करने की जो पावर है ये संसद के पास होगी, ये पार्लियामेंट करेगा कि इसका वेतन 3.5 लाख रुपए है। ये निर्धारण राज्यपाल का जो वेतन का निर्धारण है ये संसद के माध्यम से होता है, लेकिन लेकिन ये 3.5 लाख रुपए दो राज्यों के मध्य में किस प्रकार से बटेंगे इसका निर्धारण करने की जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास है, इसके निर्धारण की जो पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पास है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बैंकर कंफ्यूज रहते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, घुमाता रहता है। एग्जामिनर सीधे सीधी बात पूछता है कि अगर एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का कार्यभार है तो राज्यपाल का वेतन कहां से दिया जाएगा, तो राज्यों की संचित निधि से दिया जाएगा। राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करेगा, अगर दो राज्यों के मध्य का है तो राष्ट्रपति करेगा। सीधा प्रश्न आपके सामने अगर पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है और सीधी बात आपके सामने लिखता है, एग्जामिनर प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि ये बताइए कि राज्यपाल के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है। वो दो राज्यों का नाम आपके सामने लिखता ही नहीं है, उसको 1956 से मतलब ही नहीं है, तब आपका जो आंसर होगा वो हमेशा संसद होगा, हमेशा आपका आंसर पार्लियामेंट होगा। अगर राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है, इसका निर्धारण करने का, इसको बढ़ाने का ये जो काम किया है ये पार्लियामेंट ने किया है। और याद रखेंगे कभी भी राज्यपाल का वेतन उसके पद के दौरान कभी भी कम नहीं किया जा सकता, न राज्यपाल का न राष्ट्रपति का। वेतन में कटौती होती है तो सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन में कटौती पॉसिबल है, लेकिन इनके वेतन में इसकी पदावधि के दौरान किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। राज्यों की संचित निधि से पैसा मिलता है, दोनों के मध्य बटेगा, राष्ट्रपति बताएंगे किसको क्या देना है, लेकिन पूरा जो वेतन है उसका निर्धारण करने की जो पावर है ये हमारे संसद के पास है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में बनता होगा। सर प्लीज बता दो स्टेट का शपथ कौन दिलाएगा। बेटा दो स्टेट की शपथ कौन दिलाएगा, अरे जिस व्यक्ति ने, जिस राज्य के राज्यपाल, अगर मैं राज्यपाल हूं, मैं तो नहीं हूं, तो मैं अगर यूपी का राज्यपाल हूं तो यूपी का चीफ जस्टिस दिलाएंगे, और अगर मैंने शपथ ली एमपी के राज्यपाल की साथ में तो एमपी के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों की शपथ आपको लेनी पड़ेगी। सर पार्लियामेंट, सर आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को खत्म का प्रस्ताव पास हो गया, ये विधान परिषद के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि विधान परिषद जो है ये किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में
महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बिहार में, ठीक है, यूपी में, तेलंगाना में किस प्रकार इसकी फंक्शनिंग है और किस प्रकार विधान परिषद का जो जो सिस्टम है वो कौन खत्म करता है, क्या खत्म करता है। कल के लिए क्लास में जुड़िएगा और अधिक सारी जानकारी के लिए आप जो है मेरी क्लासेस के संबंध में आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है मोवी शिक्षा करण चौधरी। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एंजॉय करिए। फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। राज्यपाल के टॉपिक के संबंध में आप एमसीक्यू का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी आपको फ्री में मिलेगा, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ सकते हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यूपी पुलिस के सभी विद्यार्थी पर एप्लीकेशन को डाउनलोड तो कर लें, पढ़ने के लिए सिर्फ डाउनलोड करें, सभी विद्यार्थी जो है विशेष तौर पर जुड़े रहे। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो राज्यपाल की शक्तियां और कार्य के बारे में ये तो आपको मैंने वेतन समझा दिया गुरुवर, ये तो आपका वेतन हो गया। तो वेतन के संबंध में यहां से बाहर कोई प्रश्न आपके सामने नहीं बनता है। अब बात आती है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां होती हैं, ये राज्यपाल किन शक्तियों का एंजॉय करते हैं, ये भी प्रश्न आपको बड़ा परेशान करता है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आपको याद हो चुकी होगी, आप इसको समझ चुके होंगे। अब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्यारा सा छोटा सा अनुच्छेद है जिसका नाम है 154, लेकिन 154 के दायरे बड़े भयंकर तरीका से खुलते हैं, बड़े अच्छे प्रकार से ओपन होते हैं। आप देखेंगे अनुच्छेद 154 ये साफ तौर पर आपसे क्या कहता है, ये साफ तौर पर आपसे कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, याद रखें ये क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या हुआ, एक एक बात को पकड़ने की कोशिश करें। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मतलब हुआ कि बाबू 153 से लेकर 167 तक जितने भी अनुच्छेद दे रखे वो सारे अनुच्छेद, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, राज्यपाल में निहित होगी, समझ में आया पॉइंट, राज्यपाल में निहित होगी। इसके बाद एक पॉइंट लिखा है बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के बारे में संबंधित है, उसी प्रकार से यहां पर भी एक पॉइंट इसके बाद लिखा है। और क्या लिखा है बाबू, कि इन शक्तियों का प्रयोग यह स्वयं करेगा, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। मेरी बातों को जरा गौर से समझें, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब जो अधीनस्थों की बात करते हैं तो अधीनस्थ का मतलब क्या हुआ, अधीनस्थ को आप लोग नाम देते हैं सब ऑर्डिनेट, इसको आप लोग नाम देते हैं सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मीनिंग है एक प्रकार से इसके अधीनस्थ। इन शक्तियों का प्रयोग ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब राज्यपाल के अधीनस्थ कौन होंगे जिसके बाहर शक्तियों का प्रयोग करेगा, पहला स्टेटमेंट तो आप समझ लें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अब राज्यपाल में निहित होती है ये एकदम क्लियर हो गया पॉइंट, इन शक्तियों का प्रयोग ये स्वयं करेगा, स्वयं करता है, आप देख के देखिए कई प्रकार स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थों को जो डिफाइन किया गया है, इसके सबऑर्डिनेट को जो डिफाइन किया गया है, तो आपके संबंध में दो आर्टिकल है अनुच्छेद 163 और आर्टिकल आप पढ़ेंगे 164। इन दो अनुच्छेदों में राज्यपाल के सबऑर्डिनेट या राज्यपाल के अधीनस्थों को डिफाइन किया गया है। आप अनुच्छेद 163 पढ़ेंगे, 163 साफ तौर पे आप बात कहता है आपसे, मोटी मोटी बात मेरे प्यारे दोस्त आपको समझाता है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए, राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। इसका मतलब कि राज्य के मंत्री परिषद के बारे में जो अनुच्छेद आपको क्लियरली सारी बातें बताता है वो अनुच्छेद 163 है कि एक मंत्री परिषद होगा जो राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए होगा। तो 163 जो आर्टिकल है वो आपको क्लियरली बताता है कि राज्यपाल जो है उसी की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का पोस्ट होता है। तो क्लियर हो गया आपके सामने अनुच्छेद 154 आपसे साफ तौर पे कौन सी बात करता है, 154 आपके सामने एकदम क्लियर हो गया, 154 में क्या कहा गया है इस बात को आप समझ गए। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन या आप देखना चाहते हैं इसमें और क्या खास है, तो इसके अलावा आप देखेंगे तो आज अगर आपने बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पढ़े, अगर आपने अनुच्छेद 166, 167,
दोनों अनुच्छेद अगर आपने सुने कि राज्य की बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अगर आप जानते हैं, राज्य सरकार के कार्यों के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो आर्टिकल 166 और आर्टिकल 167 ये दोनों जो आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों अनुच्छेदों में बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में दिया गया है। और इसमें साफ तौर पर 166 साफ तौर पर एक मोटी सी बात आपसे कहता है कि बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर परफॉर्म विद द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और 167 आपसे साफ तौर पर कहता है कि ड्यूटी ऑफ द सीएम जस्ट टू इन्फॉर्म ईच एंड एवरी टास्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब हुआ 166 साफ तौर पर कहता है कि राज्य की कार्यपालिका के सभी कार्य या राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और 167 साफ तौर पर कहता है कि मुख्यमंत्री का ही कर्तव्य होगा कि राज्य की कार्यपालिका के या राज्य सरकार के सभी कार्यों की सूचना वो राज्यपाल को दे। तो बड़ी बेसिक सी बात है जिनके आधार पर आप इसको राष्ट्रपति से जोड़ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां उसी प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। आपके मन में कंफ्यूजन बना रहेगा, आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे, इसीलिए आपका प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि दोनों के जो अनुच्छेद हैं वो थोड़े थोड़े सेम टाइप के हैं। तो 154 आर्टिकल साफ तौर पर राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को राज्यपाल में निहित बताता है। और बताएगा क्यों नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल जो है ये राज्य के विधानमंडल का भी आंतरिक हिस्सा है, तो क्यों नहीं राज्य के राज्यपाल में शक्तियां निहित होंगी, क्योंकि बिल्कुल ये राष्ट्रपति से मिलता जुलता है हर मामले में। अब आप मुझसे पूछेंगे या आपके मन में विचार या आपके मन में प्रश्न बनेगा, आपके मन में विचार या आपके मन में प्रश्न बन सकता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आपके मन में विचार आ सकता है, तो उसको मैच कर लेना। देखो राष्ट्रपति के संबंध में जो कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में अनुच्छेद 53 बात करता है, यहां 154 बात करता है, वहां 53 बात करता है, यहां 154 बात करता है। वहां सबोर्डिनेट का डेफिनेशन जो है आर्टिकल 74 देता है, और यहां सबोर्डिनेट का डेफिनेशन जो है आर्टिकल 163 देता है। वहां बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 77 और आर्टिकल आपने सुना भी है, आप जानते भी है, 78 बातचीत करता है, और यहां बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आर्टिकल आपके सामने 167 और 166 66 और 67 दोनों इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो दोनों का समायोजन बिठाना आपके लिए अत्यधिक जरूरी हो जाएगा। आइए यहां तक राज्यपाल के एक बेसिक आर्टिकल्स को आप समझ चुके, यहां तक कोई डाउट आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि आप लोगों की वॉचिंग भली कम हो सकती है लेकिन आप पढ़ रहे हैं मुझसे, जिसने एक बार तो YouTube पर मेरे प्यारे साथियों, अब यही तो आपका प्यार जब तक नहीं मिलेगा एनर्जी बाहर नहीं निकलती। अभी 6 महीने पहले 10,000 की वॉचिंग चलती थी, वहां का प्यार था, अब आपकी वॉचिंग चल रही है, आपका प्यार है। दोस्तों में शेयर करो, बताओ, तभी तो जाके एक जुलूस सा आएगा, तभी तो जाके पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा। कौन से तुम किसी ऐसे से पढ़ रहे हो जिसके व्यूज 50,000 आते थे, हमारे तो कभी 4-5 लाख से कम नहीं आए। तो ऐसा है कि शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बताओ दोस्तों को, तब मुझे अंदर से एनर्जी मिलेगी, फिर मैं हर लेवल पर जाऊंगा, उस लेवल पर जाऊंगा जिस लेवल पर हर एक एक्सटेंड से प्रश्न आपके सामने बन सकता है, एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, उस हर लेवल पर लेकर जाऊंगा। बेइज्जती सी महसूस होती है, फिर ऐसा लगता है कि अरे यार क्या है यार मेरे, ये तो यार किसी भी चैनल पर कोई ऐसी टी शर्ट पहन के काली भूरी नीली पीली पढ़ा दो, उसके बाद ही 500, 700, 800 की वॉचिंग, 1,000 की वॉचिंग चली जाती है, क्योंकि चैनल के सब्सक्राइबर 5 लाख है, लेकिन हमारे तो भैया शुरुआत की है तो कमी है। तो बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, मुझे नहीं पता क्या क्या करोगे, करो, बस आपका कर्तव्य आप करते रहो। अगले वाले टॉपिक पे समझते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्यपाल, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो इसमें एकदम वही बात सेम है, अब इसकी कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या है इसको आप समझो। तो राज्यपाल के पास कौन सी कार्यपालिका के संबंध में कौन सी पावर होती है, तो यहां पर जो रेफरेंसेस आप यूज करोगे, तो रेफरेंसेस में आप सीधी सी बात है, आप यहां पर अनुच्छेद 154 का प्रयोग सबसे पहले करोगे, ये सबसे पहले आप 154 का प्रयोग करोगे, क्योंकि अगर आपको मेंस में लिखना पड़े, आपको प्रीलिम्स में लिखना पड़े, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना पड़े, आप हमेशा 154 का प्रयोग करोगे। 154 आपसे क्या कहता है साफ तौर पर समझिए, 154 आपसे एक छोटी सी बात कहेगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आप और क्या बता सकते हैं, तो देखिए एक आंसर और यहां निकल कर आता है
राज्यपाल क्या करता है, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसका मतलब अनुच्छेद 163 में जो आप पढ़ा है, आप अनुच्छेद 164 यहां पर लिखेंगे, क्योंकि 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप 64 में साफ तौर पर क्या मेंशन करेंगे, आप यहां बताएंगे कि देखिए इसकी कार्यपालिका शक्ति कौन सी है, कि राज्यपाल मंत्री परिषद, आप साफ तौर पर लिखेंगे राज्यपाल मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये इसकी कैसी पावर है, ये इसकी कार्यपालिका के संबंध में पावर है, ये इसकी कैसी शक्ति है, ये इसकी कार्यपालिका शक्ति है। प्रश्न आपके सामने बड़ा बेसिक पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, या राज्यपाल राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो यह राज्यपाल की किस प्रकार की शक्ति है। याद रखेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है। देखो आपके सामने जो एग्जामिनर होता है वो कई प्रकार से आपके मस्तिष्क को पकड़ता है, कई प्रकार से आपको घुमाता है। चीजें रट लेना या छोटी चीजों को जान लेने से काम नहीं चलता। अगर आपको ये पता है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है आपको इतना पता है, अब आपको इसको वन लाइनर फैक्ट आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर मान के चलो कल को यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, कल को बीपीएससी के पेपर में, जेपीएससी के पेपर में उसने आपसे ये पूछा कि मुख्यमंत्री, जितना आप जानते उतना उसने पूछ लिया, उसने पूछ लिया, मैं प्रश्न आपके सामने बनाकर दे रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा, वो आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, यह शक्ति राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है। अब ल्यूसेंट अगर पढ़े होंगे, बेसिक किताब अगर पढ़े होंगे, इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 164 है, ये बात तो उसने प्रश्न में लिख दी। अब ऑप्शन को क्या क्या देगा, ये कौन सी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, विधायिका शक्ति है, या क्षमादान की शक्ति है। अब आपका आंसर क्या होगा, यह उसकी कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति है। इस बात को आप समझ लेंगे, यहां से प्रश्न आपके सामने बन सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। और उसकी कार्यकारी शक्ति कौन सी है, इसके बारे में भी आप और चीजों को समझें। देखो एक बात आपने और पढ़ा होगा, एक अनुच्छेद है, बड़ा प्यारा सा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 165 है, आर्टिकल 165 है। तो आर्टिकल 165 जो है ये भी नियुक्ति के बारे में बातचीत करता है, और आपने सुना होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य का महाअधिवक्ता। तो राज्य का जो महाअधिवक्ता होता है, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो क्योंकि ऊपर लिखता हूं यहां पर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है ये आपके सामने लिखनी है, बहुत सारी चीजों को आपको बताना है। तो देखो मेरे प्यारे साथी, देखो मेरे प्यारे साथियों, अरे भैया क्यों नहीं मिट रहा है, मिट जाना, तुम भी बाबू मोसा ही हो रहे हो, मिट ही नहीं रहे हो। इधर देखो आओ, अब एक और शक्ति है। तो आपके सामने अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, 154 को आप मेंशन करेंगे, 164 को आप मेंशन करेंगे, अब आपके सामने अनुच्छेद है 165 में आप नियुक्ति संबंध में जितनी पावर है, जितनी भी नियुक्ति की इसकी पावर है, तो 165 में आप किसकी नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं, 165 में आप जानते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ते हैं। तो एडवोकेट जनरल जो होता है ये उसी प्रकार का पोस्ट है जिस प्रकार से आप लोगों ने महाअधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता उसी प्रकार की पोस्ट है जैसे आपने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा है। तो महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है ये कौन करता है, गवर्नर करता है, गवर्नर इसका अपॉइंटमेंट करता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने की जो पावर है आर्टिकल 165 में, ये गवर्नर के पास है, गवर्नर इसकी नियुक्ति करता है। तो ये भी इसकी कार्यकारी शक्ति है, ये भी इसकी कार्यकारी शक्ति है। जिस प्रकार से आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करने की पावर भारत के राष्ट्रपति को होती है, उसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने की पावर यहां पर राज्यपाल के पास होती है। और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, किस किस की नियुक्ति करता है। तो जितनी इसकी अपॉइंटमेंट पावर है, अपॉइंटमेंट पावर में देखो आप किस किस की नियुक्ति करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे, एक अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा राज्य का वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग। अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी। जो विद्यार्थी अच्छा है मुझे इसका अनुच्छेद बताए कि राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति भी भारत का, मतलब किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति करता है।
इसकी भी जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। अब राज्य के वित्त आयोग के बारे में जो वर्णन है, मैंने पूछा इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, किसी बच्चे का आंसर अभी तक आया नहीं है। इसका आर्टिकल होता है अनुच्छेद 243 आई, आर्टिकल 243 आई राज्य के वित्त आयोग के बारे में बातचीत करता है। राज्य के वित्त आयोग की जो नियुक्ति है ये भी कौन करते हैं, आपको अच्छे प्रकार से पता है, ये भी कौन करता है, गवर्नर करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, और राज्य का निर्वाचन आयोग के बारे में आप सब जानते हैं कि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो होता है स्टेट का, जो पंचायत का चुनाव कराता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन के भी चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति या राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन जो आयोग है, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने की पावर भी राज्यपाल के पास होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका अनुच्छेद है 243 के, अगर आप जानते होंगे तो 243 के अंतर्गत जो है ये बिल्कुल मेंशन है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। आई और एफ राज्य का वित्त आयोग अलग अलग है, ये दो आर्टिकल्स को खींच के ले चलता है, जब मैं पंचायत पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो 243 के में राज्य के निर्वाचन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करने की पावर भी राज्यपाल के पास होती है। और हाँ एक बात और सुनिएगा, जो राज्यों में जैसे हमारे यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, आपके बिहार में बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपके राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग है, तो जो भी राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं, मैंने क्या बोला, जो भी राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं, जो भी राज्यों के लोक सेवा आयोग, अब राज्यों के लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष होगा, चाहे उसका कोई सदस्य हो, अध्यक्ष हो या उसका कोई सदस्य हो, इनकी नियुक्ति करने की जो पावर है ये भी गवर्नर के पास है। हालांकि ये बात दूसरी है कि इसको इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं, याद रखेंगे। ये बात दूसरी है कि इनको हटाने की पावर जो है ये गवर्नर के पास नहीं है, ये जो पावर सीधी सीधी चली जाती है राष्ट्रपति के पास चली जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव दैट द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर कैन नॉट रिमूव दिस ऑल पीपल। तो सिंपल सी बात है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने की जो पावर है ये भी आपके राज्यपाल के पास ही होती है। इस बात को आप समझ लें, इस बात को आप जान लें। कभी कभी भाई थोड़ा एक ग्लास पानी पिला देना, क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न और बनता है आपके सामने जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। बच्चों को लगता है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, या जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से राज्य के न्यायालय की या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता होगा, लेकिन ये गलत है। याद रखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की पावर जो है ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। हाँ राज्यपाल भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है आर्टिकल 233 आप पढ़ेंगे तो जो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट में डीजे हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, या जो सबॉर्डिनेट कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की जो पावर है वो गवर्नर के पास होती है। तो राज्यपाल क्या करता है हाँ भाई एक सेकेंड में खांस लू यार, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी क्या है ना, तबीयत थोड़ी सी नासाज हो जाती है कभी कभी, क्योंकि चलो भाई मेरे देख रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम, अच्छा कॉलेजियम सिस्टम से गीता आप पूछ रही हो, क्या क्या बातें कर रहे हो भैया। निर्मल सल की दादी चले गई हैं, आप गए क्या भाई गीता चौधरी जी? मुझे एक्चुअली पता है, मेरे पास सर का मैसेज भी आया था लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो यहाँ पर आप जरा देखिए चीज़ों को, कौन से पॉइंट हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, आप जानने की यहाँ पर कोशिश कीजिए, और इस वॉचिंग को बढ़ाते रहा करो। 38, 40, 41, 50, ठीक है, एक महीने का समय मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, प्यार से बढ़ा के बढ़िया लेवल पर बच्चों तक खींचे चीज़ों को लेकर जाए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जो करें इसके लिए करें भाई। तो राज्यों के लोक अध्यक्ष या सदस्य जो है गवर्नर, ये क्या हो गया आप समझ गए। अब हाँ एक बच्चा पूछा है कॉलेजियम प्रणाली, मेरे भाई कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्ति नहीं होती, नियुक्ति जो करने की पावर है
वो राष्ट्रपति के पास है। कॉलेजियम प्रणाली से कभी भी सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति नहीं होती। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज की जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास है। इस बात को याद रखना, कॉलेजियम प्रणाली से ये तय होता है कि कौन बनेगा, ठीक है उसको, लेकिन अपॉइंटमेंट जो उसका होता है ये हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। इस पर गलती मत कर देना। तो ये कार्यकारी की शक्तियां, ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में आपके सामने वर्णन है। इतनी सी पावर राज्यपाल की आपने देख ली, काफी उपयोगी आपके लिए हो जाती है, आप समझ लीजिए। अब विधायी शक्तियों के बारे में बातचीत की है। विधायी शक्तियां इसकी बड़ी खूबसूरत प्रोविजन के साथ आगे बढ़ते हैं। आओ इसकी विधायी शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद 168। आर्टिकल 168 में साफ तौर पर राज्य के विधानमंडल के बारे में जिक्र है कि राज्य का जो विधानमंडल होगा उसके बारे में जिक्र है, और राज्य के विधानमंडल में साफ तौर पर इस बात को बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल में आपको पता है कि एक तो विधानसभा होती है, आप सब जानते हैं विधानसभा होती है, और जहां पर भी होनी चाहिए या जहां पर रिक्वायरमेंट है या जहां पर क्रिएशन होता है वह विधान परिषद भी होती है। इसके साथ राज्यपाल भी होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, राज्यपाल भी विधानमंडल का या स्टेट के लेजिस्लेचर का गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है ये एक अभिन्न भाग है, या गवर्नर जो है ये ऑलरेडी इसका हिस्सा होता है। अब पहला चीज तो आप बता सकते हैं विधायी शक्तियों में कि विधानमंडल का राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है। अब इसके बाद इसकी विधायी शक्तियां कई प्रकार से एक्सटेंडेड होती हैं, जैसे आर्टिकल 213 पढ़ेंगे, आर्टिकल 200 पढ़ेंगे, आर्टिकल 201 पढ़ेंगे, आर्टिकल 175 पढ़ेंगे। बहुत प्रकार से आप देखेंगे कि इसके पास शक्तियां हैं, बहुत प्रकार से आपको चीजों को समझना होगा। आइए देखते हैं विधानमंडल में क्या क्या शक्तियां राज्यपाल के पास निहित होती हैं। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है, ये बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद आप देखेंगे तो एक प्यारा सा अनुच्छेद है, और प्यारा सा अनुच्छेद कौन सा है कि देखिए, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राज्यपाल हिस्सा नहीं कर देगा, मतलब राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर देगा, क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य है, मतलब पार्ट है, हिस्सा है, सदस्य नहीं है, हिस्सा है, पार्ट है उसका। तो जब तक कोई कानून राज्य में नहीं बनेगा, जब तक उस कानून पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे, इसका बेसिक मीनिंग हुआ मेरे लाडले मेरे प्यारे, इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ, इसका बेसिक मीनिंग हुआ कि अनुच्छेद है 200, आर्टिकल कौन सा है 200। आप लोगों ने सुना होगा राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में, तो राज्यपाल को किसी प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्ति नहीं होती है, इसको कुछ एडिशनल चीजें प्राप्त होती हैं। तो आर्टिकल 2 से आप जब पढ़ेंगे तो मैं आपके सामने अनुच्छेद 2 से को थोड़ा खोल के आपको समझाता हूं कि आर्टिकल 2 से में क्या होता है, या आर्टिकल 200 राज्यपाल के संबंध में किस प्रकार से आपकी चीजों को आपको समझाने का प्रयास करता है। देखो बड़ी मोटी बात है कि यहां पर बाबू कौन है, यहां पर गवर्नर है। बड़ी मोटी सी बात है कि यहां पर कौन है, यहां पर क्या हो गया आपका गवर्नर, यहां पर हो गया गवर्नर, यहां पर है। अब गवर्नर के पास कोई भी विधेयक, इस गवर्नर के पास कोई भी बिल या कोई भी विधेयक, अब बिल को कौन भेजेगी, तो आप सीधे प्रकार से जानते हैं कि सर बिल को भेजेगी राज्य का विधानमंडल। किसी भी बिल को ये क्या करता है, गवर्नर के पास भेजता है, क्योंकि जब इसमें गवर्नर हस्ताक्षर करेगा तब ये विधेयक कानून बनता है, तब बिल एक्ट बनता है। तो अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर के पास कोई बिल जाता है। अब गवर्नर के पास कोई बिल जाता है तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर होती है, देखो मिल जाएगा तो कानून तभी बनेगा, एक्ट तब बनेगा जब इस पर साइन कर देगा। लेकिन ये क्या क्या कर सकता है, ये किसी भी बिल को ये उस पर यस कर सकता है कि हाँ मैं साइन कर दे रहा हूं, ये उस पर नो कर सकता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्या कर सकता है उस बिल को रिटर्न कर सकता है कि अगर वो धन विधेयक नहीं है तो उसको रिटर्न कर सकता है, अगर वो बिल जो है ये मनी बिल नहीं है तो वो उसको रिटर्न भी कर सकता है कि वापस ले लो और पुनर्विचार करो इसके ऊपर। एक और एडिशनल पावर होती है राज्यपाल के पास जो राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, कि वो किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। अब आरक्षित किसके लिए करेगा, तो आपका आंसर आएगा वो राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है।
अब राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करने की जो पावर है आप देखेंगे अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति इस पर विचार करते हैं किसका क्या होना चाहिए। तो एडिशनल पावर, अतिरिक्त पावर आपको देखने के लिए मिली गवर्नर के पास कि अनुच्छेद 200 में वह किसी विधेयक में हां कर सकता है ना कर सकता है या उसी विधेयक को, बड़ी सिंपल सी बात आप जानते हैं, उसी विधेयक को वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, आरक्षित करने की शक्ति भी उसको प्राप्त है, वो किसी विधेयक को बिल्कुल रिजर्व कर सकता है। ये बात भी आप समझ लें राष्ट्रपति के लिए, तो इसके पास शक्ति हो गई, ये उसकी विधायी शक्ति है, ये बात में आपकी समझ में आ रही होगी। और विधायिका के संबंध में राज्यपाल के पास कौन सी पावर है, और विधायिका के संबंध में आप देखिए राज्यपाल के पास कौन सी पावर है या कौन सी शक्तियों को वो और उपयोग कर सकता है। तो विधायिका के संबंध में आप देखेंगे राज्यपाल के पास और कौन सी पावर है, तो मैं आपको एक काम करता हूं यही समझा देता हूं कि और कौन सी पावर राज्यपाल के पास है। तो देखिए और कौन सी पावर है, आप एक अनुच्छेद और आपने सुना होगा, एक आर्टिकल आप लोग और जानते होंगे, और वो अनुच्छेद कौन सा है आप सबको पता होगा, उस अनुच्छेद का नाम है 213, अनुच्छेद का नाम है 213। आपको पता है कि अनुच्छेद 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को ये पावर है कि वो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अध्यादेश का मतलब है ऑर्डिनेंस, इसका मतलब है ऑर्डिनेंस कि राज्यपाल को ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है, कि राज्यपाल की पावर है। आप लोगों ने जानते होंगे अध्यादेश की जो शक्ति होती है, ये भी शक्ति, ये भी पावर राज्यपाल के पास है कि वो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। जब राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन, अगर मान के चलिए राज्य के विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा है, राज्य के विधानमंडल में ओनली विधानसभा है, और अगर विधानसभा की फंक्शनिंग नहीं चल रही है, इस सिचुएशन में राज्यपाल क्या करेगा, कि अध्यादेश प्रख्यापित करेगा। और अध्यादेश के माध्यम से आप ये जानते हैं कि लॉ मेकिंग की जा सकती है, कानून का निर्माण करने की जो पावर है, कानून का निर्माण जो है ये किया जा सकता है। तो ये भी आपके लिए समझने के लिए एक बड़ी बेसिक सी बात बनती है, एक बेसिक सा पॉइंट आपके लिए बनता है, जो आपको इस बात को समझना चाहिए, आपको इस बात को जानना चाहिए। तो ये भी किसकी पावर है, ये भी जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। राज्यपाल की और सारी विधायी शक्तियां भी हैं, वो किसी भी सदन की बैठक बुला सकता है, सदन को प्रख्यापित कर सकता है, मतलब सदन को बैठक बुला सकता है कि सदन की बैठक बुला ली कि भाई कोई भी जो सदन है उसकी बैठक बुला सकता है, सदन का विघटन कर सकता है। आप अच्छे प्रकार से जानते हैं आर्टिकल 175, 176 इसके बारे में आर्टिकल्स हैं जिसको पावर देते हैं। दोनों सदनों का संबोधन कर सकता है, राज्यपाल को ये पावर है कि वो सदनों का संबोधन कर सकता है, उसके पास सारी की सारियां एड्रेस कर सकता है दोनों सदनों को, उसके पास सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में आपको वर्णन पता है, ये राज्यपाल की सारी राज्यपाल की विधायी शक्ति है। ये विधायी शक्तियों के बारे में आप इन अनुच्छेदों को देख सकते हैं, ये आपके काम की चीजें हैं, आप इन बातों को जान सकते हैं। और विधायी संबंध शक्तियों में क्या क्या हो सकता है, देखो विधायिका का हिस्सा है तो बहुत सारी चीजें विधायिका के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में निकल कर आती हैं। और आप देखेंगे अनुच्छेद 333, देखिए मैं आपको और बता देता हूं, जितनी जितनी चीजें आपको बताता जाऊंगा आपको मजा आता जाएगा। अनुच्छेद 333 बच्चों ने पढ़ा होगा, अब तो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 333 का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आप अनुच्छेद 333 देखिए, अनुच्छेद 333 आप समझ गए। आर्टिकल 333 आपने सुना होगा, आर्टिकल 333 के तहत ये राज्यपाल को पावर है कि वो, आप जानते हैं राज्य की विधानसभा में जो भी राज्य की विधानसभा है, उस राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को, एक आंग्ल भारतीय का मतलब है एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय का मीनिंग हो गया बच्चा एंग्लो इंडियन, मैंने आपसे क्या बोला, एक एंग्लो इंडियन मेंबर को वो क्या कर सकता है, इसको नॉमिनेट कर सकता है। एक बच्चा प्रश्न यहां से मुझसे पूछ रहा था, अब 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति या उसका नॉमिनेशन मतलब मनोनयन, याद रखेंगे मनोनयन, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, नॉमिनेशन जो है
ये अब नहीं होगा, इसको क्या कर दिया गया है, इसको रोक दिया गया है। लेकिन एक बच्चा ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर एक बात बताइए, अनुच्छेद 333 है या समाप्त कर दिया गया। इस बात को आप दिमाग के अंदर बिठा लें, अनुच्छेद 333 है, आर्टिकल 333 है, आर्टिकल 333 को समाप्त नहीं किया गया है, आर्टिकल 333 आज भी है, लेकिन एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को रोक दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ इस प्रोविजन को समाप्त नहीं किया गया। जितने बच्चे इस बात को पूछते हैं आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक करो, बार बार ऐसी गलतियां करोगे, अगर एग्जामिनर प्रश्न आपके सामने बना के दे देगा कि अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करेगा, इस प्रोविजन को अनुच्छेद 104 के तहत समाप्त कर दिया गया है, पहला ऑप्शन होगा समाप्त कर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन होगा रोक दिया गया है, तीसरा ऑप्शन होगा सो एंड सो। तो आप लिखेंगे अगर समाप्त कर दिया गया है तो पूर्ण तरीका से गलत हो जाएगा, इसको रोका गया है। देखो एंग्लो इंडियंस का अपॉइंटमेंट की पावर अनुच्छेद 331 से राष्ट्रपति और 333 से राज्यपाल से छीनी नहीं गई है। मेरी बात को दोबारा सुने, एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन की जो पावर है ये राज्यपाल और राष्ट्रपति से छीनी नहीं गई है, आज भी उनके पास पावर है। लेकिन क्योंकि उसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्य की मतलब भारत की लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं, तो उनको पावर है, उनकी शक्ति है। लेकिन ये रिजर्वेशन का एक प्रोविजन ऐसा था कि भाई उनका मनोनयन इसीलिए होता है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब सरकार ने ये कहा कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी जनसंख्या ही नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से अधिकार को नहीं छीना गया, उस प्रोविजन को स्टॉप कर दिया गया। क्या पता 10 साल के बाद कोई कांग्रेस सरकार आए या 10 साल के बाद कोई भी गवर्नमेंट आए और उस प्रोविजन को स्टार्ट कर दे, रिजर्वेशन के प्रोविजन को स्टार्ट कर दे। तो आपका यह कह देना कि अनुच्छेद 331 को डिलीट कर दिया गया है, 333 के तहत अब ये नहीं होगा, ये पूर्ण तरीका से गलत है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारे बच्चे इस गलती को कर रहे हैं। अब यही धर्म है, यही परमो धर्मो धर्मा है। अगर मैं उस वहां होता उत्कर्ष में तो इस बात को लाखों बच्चे सुन रहे होते, 2-4 लाख बच्चों का भला होता, और वो किसी गलत टिप्पणी किसी के द्वारा की गई किसी जगह पर या किसी अध्यापक ने कर दी, किसी मित्र ने कर दी, तो उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यहां क्या है कि बच्चे देख कम रहे, 130 बच्चे देख रहे हैं, 130 बच्चों का ही भला होगा, बाकी जो है आप गलत गलत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहिए। इसीलिए शिक्षा को सर्वाधिक लोगों तक पहुंचना भी जरूरी होता है समाज में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। मतलब शिक्षा अधिक से अधिक लोगों के बीच में जानी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी जरूरी चीज है। अगर कम लोगों में शिक्षा जाती है तो शिक्षा के लेवल को भी लोग क्या करते हैं, अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं। बड़ी दुखद बात है ये, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं और आगे जानने, और जो बड़े बड़े जहां बड़े बड़े जो है प्लेटफॉर्म बन गए मेहनत से, उन पर अगर ऐसी चीजों गलत बताया जाएगा तो काफी गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज है। मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विद करण चौधरी पर 4-5 बच्चों का मैसेज आ रखा है, सर इसको खत्म कर दिया गया है, सर अभी अगर नहीं करेगा, ऐसे कंफ्यूजन्स क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, किसी यूट्यूब पे पढ़ा होगा। ऐसी गलतियां नहीं करनी है बाबू, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। हे अनुच्छेद कोई समाप्त नहीं किया गया, अनुच्छेदों को प्रावधान को रोका गया है। रोकना अलग चीज है, समाप्त करना अलग चीज है, दोनों में डिफरेंसेस है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया गया, रोका गया, समाप्त कर दिया गया, 370 को समाप्त कर दिया गया, और आप रोकना कहते तो अलग बात होती। चलिए आगे बढ़िए, तो 333 को आप याद रखें। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे एक और प्यारा सा आर्टिकल है, एक बात और आप जानते होंगे कि भारत में राज्यों के राज्यपाल को यह शक्ति है कि विधानसभा के अलावा, अगर मैं विधान परिषद की बात करूं, विधान परिषद की अगर मैं बात करूं, तो आप ये जानते हैं कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का नॉमिनेशन या मनोनयन, आपको पता है मनोनीत करने की जो पावर है 1/6 सदस्य टोटल विधान परिषद की संख्या का, जो भी वहां पर विधान परिषद है, उस विधान परिषद की जो भी विधान परिषद है, इस विधान परिषद की टोटल संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, या मैं ये कह सकता हूं नॉमिनेटेड किए जाते हैं। आप सब लोग इस बात को जानते होंगे, आप सब लोग इस पॉइंट को समझते होंगे, आप सब इस बात को जानते होंगे। गुरुजी प्रधान प्रणाम,
बांसवाड़ा से। भाई बहुत बढ़िया, बेस्ट क्लास, धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई। पूरा कराओ, पूरी करो। क्या पूरी करो पवन शर्मा, क्या पूरी करवा रहा है सर जी? हिमांशी सिसकी लाचना पूरी, क्या क्या बता रही हो हिमांशी की, क्या करनी है पूरी स्टडी? पता नहीं तुम लोग क्या क्या बातें करते रहते हो। चलो आओ आगे बढ़ो, तो नॉमिनेशन करते हैं 1/6 सदस्य, ये भी आपकी इसकी विधायी शक्तियां हैं। अब विधायी शक्तियां बहुत हो गई, मैं इनसे बोर हो गया विधायी शक्तियों से। अब वित्तीय शक्तियों के बारे में बातचीत कर लें, तो वित्तीय शक्तियों के बारे में आप जानते हैं राज्यपाल के पास वित्तीय शक्ति क्या होती है। राज्यपाल के पास वित्तीय शक्ति होती है कि जो भी धन विधेयक है, आप ये जानते हैं कि जो भी धन विधेयक है, ये धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के माध्यम से पेश होता है। आप जानते हैं सारी की सारी जो राज्यों का बजट है, इस बजट को रखवाने की जो पावर है कि बजट रखवाना है, इस बजट के बारे में भी जो पावर है ये राज्यपाल के पास होती है। आप इस बात को क्लियरली जानते हैं, आपको क्लियरली पता है। राज्य का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है, फाइनेंस कमीशन जो होता है ये अपनी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इसकी रिपोर्ट को रखवाते हैं। राज्यपाल इसकी रिपोर्ट को वित्त आयोग की रिपोर्ट को, वित्त आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। ये भी आपको प्रोविजन पता होने चाहिए। तो इसकी वित्तीय शक्तियां होती हैं, इसकी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, ये आप अच्छे प्रकार से जानते हैं, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां अच्छी हैं, जिसकी जो जुडिशियल पावर्स है या इसकी न्यायिक शक्तियां कौन सी है, इसके बारे में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है 161, आर्टिकल है 161, आर्टिकल 161 में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कौन सी हैं? आप सब ये जानते हैं कि राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है, क्योंकि आर्टिकल 71 में जो राष्ट्रपति को पावर दी गई है और राज्यपाल को शक्ति दी गई है, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर है, यहां से प्रश्न आपके सामने बनता है। देखो, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की जो भी सजा है, इस सजा को माफ कर सकते हैं, याद करें, माफ कर सकते हैं, इस सजा को कम कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति राज्यपाल की पावर है। लेकिन यहां पर इसके ऊपर कुछ बाउंडेशन लगा रखी है। बाउंडेशन क्या लगा रखी है कि राज्यपाल किसी की मृत्यु दंड की सजा को, राज्यपाल किसी की मृत्यु दंड की सजा को, इसका मतलब है किसी के कैपिटल पनिशमेंट की सजा को, इसका मतलब है किसी के कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है मृत्यु दंड की किसी को सजा मिली है, इस सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। याद रखेंगे, इस सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल इस सजा को माफ नहीं कर सकता, इस बात को आप याद रखेंगे, इसको माफ नहीं कर सकता, इसकी राज्यपाल को पावर नहीं है। सेकंड बात आती है कि अगर मार्शियल लॉ, या आप ये कह सकते हैं कि अगर सैनिक न्यायालय, सैनिक न्यायालय ने अगर कोई सजा दी है, देखो सैनिक न्यायालय, सैनिक न्यायालय ने अगर किसी को सजा दी है तो इस सजा को भी राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता, सॉरी राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। याद रखेंगे, राज्यपाल इसको भी माफ नहीं कर सकता, इसको माफ करने की जो शक्ति है ये राज्यपाल के पास नहीं है। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात बनती है, बड़ी अच्छी बात बनती है, राज्यपाल किसी के मृत्यु दंड की सजा को, कैपिटल पनिशमेंट की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल किसी की मृत्यु दंड की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है। मैंने क्या बोला, इसको उम्र कैद में बदल सकता है, इसको माफ नहीं कर सकता। यहां से प्रश्न आपके सामने बनता है। सेकंड बात, एक और बहुत बढ़िया बात बनती है, देखो राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्ति है, राज्यपाल के पास कम शक्ति है। पहली बात तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है कि राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर, इसका मतलब है कि उस राज्य के क्षेत्र में, उस राज्य के क्षेत्र के किसी भी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा दी है, उस सजा के संबंध में राज्यपाल के पास पावर है। जबकि राष्ट्रपति के पास संपूर्ण भारत में, आर्टिकल 72 में संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में, हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में किसी भी कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा दी है, उसके संबंध में जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास है। इवन एक और बात है,
राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास शक्ति है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति मार्शल कोर्ट या सेना न्यायालय के भी दंड को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल इसे माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, लेकिन राज्यपाल कभी भी मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। सर मैं दो दिन से छुट्टी छाटी कर दोगे क्या, एप्लीकेशन दे दूंगी। सर 2 दिन छुट्टी हो दूंगे क्या? अच्छा गीता चौधरी जी, बिल्कुल विचार करेंगे आपकी बात पर, ठीक है। 161 आपने समझ लिया। आप में से जो भी विद्यार्थी बैच लेना चाहते हैं पॉलिटी का, बहुत सस्ता रखा है मैंने, कुछ भी महंगा नहीं है। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी आरपीएससी के तो कुछ भी महंगा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मैंने बैच की फीस नहीं रखी है। उसमें पॉलिटी भी है पूरी की पूरी, पूरी पॉलिटी प्लस पूरी गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का मतलब समझ रहे हैं, शासन, गवर्नेंस से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत अल्प फीस में मात्र 1499 रुपए इसकी फीस है, और आपका जो आदेश होगा सिरा आंखो। 1499 रुपए की फीस में, ये एसआई के लिए नहीं है, एसआई की जो पॉलिटी है वो मात्र 999 रुपए में प्लस मूल विधि के साथ। तो अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 999 की पॉलिटी ले लें मूल विधि के साथ। 1 साल तक किसी वैलिडिटी है, तुम पेपर ना पास कर पाओ तो इसकी वैलिडिटी हमेशा के लिए करवा दूंगा। 10 इसमें टेस्ट दे रहा हूं, 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस टेस्ट है, मतलब एमसीक्यू के नहीं है, 10 एमसीक्यू तो मैं कराऊंगा यूट्यूब पर, 10 इसकी टेस्ट सीरीज है, मतलब 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपकी पॉलिटी की स्पेशली, वो आपके लिए फ्री है। ऑनलाइन आप टेस्ट दो, पीडीएफ आपको मिलेगी, वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको एप्लीकेशन में दिया है। आप अभी एप्लीकेशन पर जाएंगे, सर्च करेंगे, उसमें 3 प्लेयर है एप्लीकेशन में। प्लेयर नंबर 1 आपका जो एडवांस प्लेयर है, प्लेयर नंबर 2 आपका जो यूट्यूब प्लेयर है, प्लेयर नंबर 3 आपका जो आपकी वीडियो को डाउनलोड कर देगा आपके एप्लीकेशन में। आप 500 बार 1000 बार 1,00,000 बार उसे देख सकते हैं। वाईफाई में जाओ, वीडियो को डाउनलोड कर लो। पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है, पीडीएफ के प्रिंटआउट लेने का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन उसमें अवेलेबल है, सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। 999 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, आप चाहो 2 साल की वैलिडिटी करवा देता हूं, आप चाहो 3 साल की वैलिडिटी ले लो। और जितने भी न्यू बैच स्टार्ट होते जाएंगे पॉलिटी के, उस सारे बैचेस आपको उसी बैच में कंटिन्यू मिलते चले जाएंगे, इतनी सारी फैसिलिटी के साथ मात्र 999 में। सभी लोग लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। तो जाना तुम, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप फॉलो कर लें। तो माफ करने की शक्ति जो है, ये न्यायिक शक्ति जो है, ये किसके पास है? राज्यपाल के पास है। आर्टिकल 161 को आप पढ़ लेंगे, आर्टिकल 72 को आपने पढ़ लिया, तो बड़ी बेसिक चीजों को आप लोग समझ गए। ये इसकी न्यायिक शक्तियां जो कि हमारे राज्यपाल के पास होती हैं, राज्यपाल को ये न्यायिक शक्तियां यहां पर प्राप्त होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी समझ में न्यायिक शक्तियां आ चुकी हैं। अब विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं। आर्बिट्री पावर्स कौन सी होती हैं, विवेकाधीन शक्तियां कौन सी होती हैं, या राज्यपाल के पास कौन सी ऐसी शक्तियां जिनका प्रयोग वो करता है। इसमें सबसे खतरनाक जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 356 है। आप ये जानते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, आप सबको पता है आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल के पास स्पेशल पावर है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट है। और अनुच्छेद 356 में आपको पता है कि राज्यपाल की अनुशंसा पर, अगर राज्यपाल ही अनुशंसा दे दे कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है अगर राज्यपाल इसकी अनुशंसा दे दे। तो ये अनुच्छेद 356 जो है सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया 1983 में, जो हमारा जो आपने सरकारी आयोग पढ़ा होगा, सरकारी कमीशन ने सबसे ज्यादा निंदा की इसी अनुच्छेद की, निंदा की 356 की। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है, इसकी अनुशंसा करने की जो पावर है वो भी राज्यपाल के पास है। राज्यपाल इसका दुरुपयोग करता है, अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। इसमें राज्यपाल, देखो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति क्यों है, क्योंकि बाबू राज्यपाल जो है इसमें कभी भी मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह से कार्य नहीं करता। आप एक बात बताओ, क्या मुख्यमंत्री कहेगा तब राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलेगा कि संविधान तंत्र विफल हो गया है इस राज्य का,
कभी नहीं बोलेगा। हालांकि 356 में अलग अलग ग्राउंड है, सिर्फ 356 राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर नहीं लगता। 356 में ये भी ग्राउंड है, जो अनुच्छेद 256 में मेंशन है, 55 में मेंशन है, बहुत सारी चीजें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती है, स्टेट गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती है, तब भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये भी इसके प्रोविजंस है। तो याद रखना ये विवेकाधीन शक्ति है, इस शक्ति में कभी भी राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद, याद रखें मैंने क्या बोला, अनुच्छेद जो है आपको मैंने बताया 166 जो है कि कार्यपालिका शक्तियां जो है बेसिकली आप राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के राज्यपाल के नाम से होती हैं, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि अनुच्छेद 154 जो है उसका प्रयोग इसमें नहीं होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, और पूरी तौर पर जो है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, आप राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, इस बात को आप जान ले। अब सेकंड एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करें, सेकंड एस्पेक्ट क्या है, एक अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 371, एक अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 में आपको पता है कुछ राज्यों के संबंध में विशेष शक्तियां दी गई, तो अनुच्छेद 371 में राज्यपालों को पांचवीं और छठवीं अनुसूची से जुड़े कुछ राज्यों के बारे में विशेषाधिकार दिए गए, और अनुच्छेद 371 में जो राज्य आप पढ़ते हैं, अनुच्छेद 371 में आपको पता है, आपने पढ़ा है 371 में महाराष्ट्र गुजरात के बारे में, अनुच्छेद 371 ए के बारे में आप जानते हैं नागालैंड के बारे में, अनुच्छेद 371 बी के बारे में आप जानते हैं असम के बारे में, अनुच्छेद 371 सी में आप जानते हैं मणिपुर के बारे में, अनुच्छेद 371 डी में आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, अनुच्छेद 371 ई में आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी के बारे में, अनुच्छेद 371 एफ में आप जानते हैं सिक्किम के बारे में, अनुच्छेद 371 जी में आप जानते हैं मिजोरम के बारे में, 371 एच के बारे में आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 371 आई के बारे में आप जानते हैं गोवा के बारे में, 371 जे के बारे में आप जानते हैं कर्नाटका के बारे में, ये सारे और पांचवीं छठवीं अनुसूची के अंदर जो राज्य हैं, पांचवीं छठवीं अनुसूची का मतलब है अनुसूचित क्षेत्र और छठवीं अनुसूची में आप जानते हैं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम एएमटीएम, इन सारे राज्यों के गवर्नर्स को एएमटीएम, इन सारे राज्यों के गवर्नर्स को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। तो 371 में भी विवेकाधीन शक्तियों का राज्यपाल प्रयोग कर लेते हैं, इस बात को भी आप जानें, इस बात को भी आप समझें। विवेकाधीन शक्तियों में मैं आपके सामने अनुच्छेद 200 का प्रयोग कर सकता हूं, आर्टिकल 200 का प्रयोग कर सकता हूं। आर्टिकल 200 में जो भी ऐसे सब्जेक्ट, जो भी कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को जब राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता है, यह भी उसकी विवेकाधीन शक्ति है। अनुच्छेद 200 में विवेकाधीन शक्ति का या आर्बिट्री पावर्स का राज्यपाल बार बार प्रयोग करते हैं, तो यह भी उसकी एक विवेकाधीन शक्ति है, इसको भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, यह भी उसकी एक विवेकाधीन शक्ति है, यह भी आपके काम आ सकती है। अनुच्छेद 200 भी विवेकाधीन शक्ति का ही पॉइंट हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे और कौन सी पावर है, देखो और आप पावर देखें विवेकाधीन शक्तियों में, राज्य में आपको पता है कि विधानमंडल होता है, और हमेशा विधानमंडल में जो भी मंत्रिपरिषद है, आपको अच्छे प्रकार से पता है कि विधानमंडल में जो मंत्रिपरिषद है 164 में जो मेंशन है, तो मंत्रिपरिषद हमेशा विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, और विधानसभा में अगर मंत्रिपरिषद की मेजोरिटी कम है या विधानसभा में मंत्रिपरिषद के पास विश्वास नहीं है, ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल के पास ये आर्बिट्री पावर्स आती है, विवेकाधीन शक्ति आती है कि वो सरकार के साथ कुछ भी कर सकता है। दूसरी चीज, अगर किसी पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, आप ये जानते हैं मेरे प्यारे साथी, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर किसी पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति होती है कि वो किसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे, क्योंकि आपको पता है ये भी उसकी पावर होगी, उसी के पास शक्ति होगी, उसी के पास शक्ति होती है, तो ये भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग भी वो करता है। पॉलिटी ऑफिशनल वालों के लिए कोई न्यू बैच, भाई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच आ गया है, मैंने डलवा दिया है उस पर पोस्टर, देख लो आप। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की जो फीस है वो 4,999 मात्र है। आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की बात करें तो मात्र 4,999 रुपए की फीस है।
आप किसी भी अध्यापक से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ें, सबकी फीस 25,000 से 30,000 रुपए फीस है, 25,000 से 50,000 तक लोगों की फीस है ऑप्शनल की, मात्र 4,999 की फीस में मैं ऑप्शनल का बैच लेकर आया हूं। ये ऑप्शनल का जो बैच है मेरे एप्लीकेशन पे पहली बार आ रहा है, आपको अच्छे प्रकार से पता है। इस ऑप्शनल में के बैच में, ये ऑप्शनल के बैच में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, पूरी पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल थिंकर हो, पॉलिटिकल थॉट हो, सारी चीजें पवेड के सेक्शंस हैं। तो 4,999 का बैच है, इसको मैंने ओपन कर दिया है। इसमें कम से कम थोड़े ज्यादा एडमिशन हो जाएंगे तो मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ इसे पढ़ाता रहूंगा। ये बैच उपयोगी रहेगा पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए, पॉलिटिकल साइंस टीजीटी के लिए, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के लिए, पॉलिटिकल साइंस के नेट वाले विद्यार्थियों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के यूपीएससी आईएएस के ऑप्शनल के लिए, पॉलिटिकल साइंस यूपी पीसीएस के ऑप्शनल के लिए, पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी जेपीएससी के ऑप्शनल के लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी बैच रहेगा। इसकी फीस है 4,999 रुपए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा मोवी शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मोवी का मतलब होता है मोबाइल और शिक्षा का मतलब होता है SHIKSHA, शिक्षा का मतलब है आपकी एजुकेशन, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और या फिर आप 8700078917 के नंबर पर आप कॉल करें। 4,999 का बैच है, इस बैच में आपकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल है, 2 साल की मिनिमम वैलिडिटी इस बैच में दी गई है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा गहराई में आपको पढ़ना पड़ता है। करीब करीब इस बैच को कंप्लीट कराने में मुझे मिनिमम 5 महीने का समय लगेगा, जिसमें क्लासेस आपकी डेली 2 आवर क्लास चलेगी 2 घंटा। तो आप बड़े ध्यान से इस बैच को परचेस कर सकते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इस बैच को ले लें। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए अब बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है, या कोई डाउट है आप मुझे बताएं। ये मेरी फीस इतनी नहीं है, ना 25,000 ना 30,000, मात्र 4,999 रुपए इसकी फीस है। आप इस बैच को ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें जिनको बैचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। बार बार आप बैचेस के बारे में पूछते रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि राष्ट्रपति के संबंध में अब राज्यपाल की वीटो शक्ति है बस, और ये तो कुछ आर्टिकल्स है इनको मुझे कराना है, तो पहले मैं करा देता हूँ, उसके बाद में लास्ट में बात करेंगे। राज्यपाल की वीटो शक्ति, तो राज्यपाल की वीटो शक्ति मैं आपको बता चुका, सामान्य विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 200 के संबंध में पावर है, मैं आपको समझा चुका कि 200 में क्या क्या कर सकता है, हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, या किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका, एकदम क्लियर एस्पेक्ट है। वीटो पावर ऑफ द गवर्नर, धन विधेयक के संबंध में आपको पता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है कि वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सके। ये मैंने आपको बताया कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है, ये आप क्लियरली जानते हैं, आपको क्लियरली पता है। अब राज्यपाल के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक बार आप देख लें। राज्यों का राज्यपाल होगा 153 में, मैंने बता दिया। कार्यपालिका शक्ति मैंने बता दी, उसके वेतन भत्ते 158 समझा दिया। आकस्मिक परिस्थितियों राज्यपाल का कार्य 61 में क्षमादान बता दिया। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बता दी, 200 201 बता दिया, 213 बता दिया। अच्छा, 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति मैंने आपको पढ़ा दी कि अधीनस्थ कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 361(2), ठीक है, पदावधि के दौरान न्यायालय की किसी प्रकार की दंडनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये अनुच्छेद बढ़िया है। अनुच्छेद 361(2) को आप समझ लें, अनुच्छेद 361(2) ये अनुच्छेद आपका छूट रहा है। देखो, राज्यपाल को उसकी पदावधि के दौरान किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल मामला, आप जैसे जानते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ न राज्यपाल के खिलाफ उसकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार का क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ याद रखें उसके खिलाफ सिविल मामला शुरुआत हो सकती है, कोई क्रिमिनल मामला, कोई दांडिक कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू नहीं हो सकती। आप इस बात को याद रखेंगे, अनुच्छेद 361(2) में साफ तौर पर क्लियर है। राज्यपाल के संबंध में विशिष्ट तथ्य, कौन से तथ्य हैं जो राज्यपाल के बारे में आपको समझने चाहिए। श्रीमती सरोजनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की वरन भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आपसे पूछा जाए कि सरोजनी नायडू या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, आपका आंसर आएगा सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, आंसर आएगा सरोजनी नायडू। आपसे प्रश्न पूछा जाए
उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तब भी आपका आंसर आएगा श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। बढ़िया प्रश्न आपके सामने, फैक्चुअल प्रश्न आपके सामने बन सकता है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए, अब फैक्ट आप यहां पर देख लें। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन दोनों लागू किए जाते हैं, ठीक है। आपको बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन भी लगता है, राज्यपाल शासन भी पहले लगता था, अब वर्तमान में प्रोविजन नहीं है। श्रीमती सरोजनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली की चिड़िया के समतुल्य है। इसका मतलब है कभी हम मेंस में लिखेंगे कि सरोजनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने की चिड़िया की तरह, सोने की चिड़िया की तरह जो है पिंजरे में रहने वाला एक उसके समतुल्य, मतलब पिंजरा सोने का है लेकिन राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको यकीन मानो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ ऐसे पूर्व राज्यपाल हुए, बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे, कुछ ऐसे पूर्व राज्यपाल रहे जिन्होंने कहा कि भैया मैं कुछ भी बना दो पर राज्यपाल मत बनाओ। सबसे ज्यादा खाली पद है राज्यपाल का पद, सबसे ज्यादा खाली। तो सरोजनी नायडू जी ने कहा था जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, ये इसको सदर रियासत पहले के नाम से जाना जाता था, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को वर्तमान में मतलब नहीं है। राज्यपाल का राज्य से मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए भगवान सहायक समिति का गठन किया गया और मद्रास के पटवारी को बर्खास्त कर दिया गया था, पता नहीं। अच्छा हाँ, भारत में सर्वप्रथम 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त कर दिया गया था 1980 में। इसका मतलब क्या है, ये फैक्ट में आ गया, आपको मेंस में कराता हूं सारे के सारे, कि अब भारत में जो राज्यपाल के संबंध के पद के संबंध में जो विवाद है ये बड़े खतरनाक है। 1980 में आप देखेंगे यहां पर क्लियरली मेंशन है तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी, इनको बर्खास्त किया गया, ठीक है। राजस्थान के भी राज्यपाल को बर्खास्त किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बेटा क्या बोल रहे हैं, अभी आता जाता है क्या, यहां राधे दिखाने का आता है बिश्नोई। बेटा पता नहीं तुम बिश्नोई से इतने खफा क्यों हो, क्या हो गया है बिश्नोई से ऐसा गुना कि उसको लेकर इतनी सारी बातें हैं, क्यों भाई? कौन है बिश्नोई, बिश्नोई कौन है, क्यों भाई बिश्नोई कौन है? बिश्नोई सर जी ज्यादा क्यों बोल रहे हो, स्टडी ब्लॉक प्लीज, क्यों ज्यादा बोल रहे हो? अच्छा बिश्नोई बेटा क्यों लड़ने लगे? इतना मत लड़ो, चलो क्लियर। क्या लिख रहा है सर जी, आपकी पंचायत राजस्थान की फ्री वीडियो नहीं मिल रही है, उत्कर्ष वाली सभी कर ली हैं मैंने, प्लीज आपकी चैनल पर, ठीक है बता देता हूं बेटा मैं, क्लियर। चलो तो अब ये राज्यपाल के संबंध में कब राज्यपाल को बर्खास्त किया गया, क्या किया गया, ये सारी की सारी बातें भी आप लोगों ने देख ली, आपने समझ ली। तो राज्यपाल का जो टॉपिक है ओवरऑल खत्म हो गया। अब मेंस के अप्रोच से राज्यपाल का टॉपिक पढ़ेंगे, मेंस के अप्रोच से राज्यपाल का टॉपिक क्या है, किस प्रकार से बनता है, कौन सी चीजें, इनको जानने के एक बार अब बताओ बिल्कुल मनीषा जी, गवर्नर का जो पद है आपको दिया जाएगा, तो गवर्नर पद मुझे दो तो गवर्नर का जो पद है ये भी आपको दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और कोई, गीता चौधरी जी अब बताओ, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जिसको भी बैचेस लेने हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। बेटा देखो, एक सबसे पॉलिटी का बेसिक बैच है, सबसे पॉलिटी का बेसिक मतलब ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे इतना तो तुम विश्वास कर ही सकते हो, पॉलिटी प्लस मूल विधि। देखो मूल विधि भी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, कल आपने डेमो भी देख लिया। इसकी जो फीस है ना पॉलिटी प्लस मूल विधि की, ये मात्र 999 है, आप किसी भी एग्जाम के लिए इस बैच को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मूल विधि नहीं लेना है, अगर आपको मूल विधि नहीं लेना है तो आपको और कम कर दी जाएगी फीस, आप इस बैच को ले लें, बहुत ही बेसिक पॉलिटी का बैच है 999 में। इसकी वैलिडिटी एक साल है, 1 ईयर है, इसमें कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी। वैलिडिटी बढ़ा के 2 साल भी कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे अगर आप लोग बोलेंगे। इसमें नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन जो है ये सारे बैचेस में, मतलब आपको नोट्स जो है हर बैच में फ्री मिलेंगे, वीडियो डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है ये हर बैच में आपको फ्री मिलेगा, सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी। सेकेंड बैच आप पॉलिटी का लेना चाहते हैं सिर्फ यूपीएससी के लिए, तो देखो पॉलिटी का सेकेंड बैच है,
इस बैच में पॉलिटी है प्लस आपकी गवर्नेंस है, प्लस आपकी गवर्नेंस है। इस बैच को भी आप ले सकते हैं। इस बैच को भी स्टार्ट करने वालों में इसकी जो फीस है वो 1499 रुपये है, 1499 रुपये। ये यूपीएससी के लिए ओनली बैच है। इस बैच को यूजफुल है यूपीएससी के लिए और या पीसीएस की परीक्षाओं के लिए ये बैच उपयोगी है। ये बैच है एसआई के लिए या जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं उनके लिए बैच आपका उपयोगी है। थोड़ी सी फीस ज्यादा है, मुझे लगा थोड़ी सी फीस ज्यादा है क्योंकि संख्या कम है, थोड़ी सी फीस ज्यादा है, इतना तो तुम गुरु को सपोर्ट कर ही सकते हो। थोड़ी सी फीस इसकी ज्यादा है, इसकी नहीं ज्यादा है, तो इसकी फीस 999 वगैरह। मूल विधि नहीं लेंगे तो मूल विधि नहीं लेंगे तो 799 रुपये में मैं करवा दूंगा बैच आपका, ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। यूपीएससी पीसीएस के लिए गवर्नेंस के साथ इसकी फीस 1499 रुपये। ये बैच आपके लिए समान रूप से, इस बैच में आपको सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी जो होगी वो आपकी 2 साल होगी। इसमें आपको वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी आपके टेस्ट फ्री है और इसमें भी आपके टेस्ट जो है ये साथ में फ्री है। अब आप क्या लोगे, अब आप क्या लोगे। तीसरा एक बैच मेरा और आ रहा है जो कि बैच आपका पॉलिटिकल साइंस का है, जो कि बैच आपका पॉलिटिकल, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है, ये आपका राजनीति विज्ञान का बैच है। किसका बैच है? राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के बैच को ये बैच उपयोगी है ऑप्शनल के लिए, यूजीसी नेट के लिए या अन्य ऐसी परीक्षाएं जिसमें राजनीति विज्ञान आती है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जो भी राजनीति विज्ञान की परीक्षाएं, यूपीएससी ऑप्शनल, पीसीएस, आरएएस, बीपीएससी, सारे ऑप्शनल के लिए बैच फ्री है। मतलब बैच है आपका, इस बैच की फीस है मात्र, इस बैच की जो फीस है वो है 4999 रुपये। मतलब 4999 का मतलब है बेटा वही 5000 रुपये मान के चलो, 4999 रुपये इसकी फीस है इस बैच की। इस बैच की वैलिडिटी भी जो है वो 2 ईयर है, 2 साल है। इस बैच में भी आपको सारी फैसिलिटीज, वीडियो डाउनलोड करने की फैसिलिटीज आपको मिलेगी, नोट्स डाउनलोड करने की फैसिलिटी आपको मिलेगी, सारी चीजें इस बैच के साथ आप देखेंगे सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? ये तो मेरा पॉलिटी का वो था, सिर्फ पॉलिटी पॉलिटी का। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं, तो इसके अलावा बैचेस जो है मैं दूसरे लेकर आ रहा हूं, आपका सपोर्ट चाहिए। देखो जब आप, मैं पहले पढ़ रहे थे तो इसी बैच की फीस वहां पर 32000 रुपये थी, यहां पर इस बैच की फीस मात्र 4999 रुपये। जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे जीएस के लिए उनकी फीस 32000 रुपये थी, यहां पर इसकी फीस मात्र 1499 रुपये है। पॉलिटी की फीस मात्र 799 रुपये बेसिक की फीस है और मूल विधि की फीस 999 रुपये है। अब आप मुझसे क्या चाहते हो, अब आप मुझसे क्या चाहते हो? क्या 799 रुपये के बैच को आप नहीं खरीद सकते? क्या 799 रुपये की पॉलिटी की फीस ज्यादा है? मैंने इस बैच को बनाने का सोचा नहीं था, लेकिन अब मैं इस बैच को बना रहा हूं मात्र 799 रुपये में। इस बैच को क्रिएट कर देना 799 का, ओनली पॉलिटी फॉर वन डे एग्जामिनेशन। जो भी पटवारी हो गया किसी भी एग्जाम के लिए मात्र 799 रुपये। क्या तुम 799 रुपये नहीं खर्च कर सकते हो? मेरे लिए पैसे नहीं चाहिए यार, इसको चलाने के लिए सिस्टम चाहिए होता है। बाकी यूट्यूब पे तो मैं फ्री पढ़ाई, टॉपिक वाइज टॉपिक, यूट्यूब की टेंशन ना लो। लेकिन यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डेड वीडियोस प्लान कर रहा हूँ थोड़ी सी, और लाइव भी प्लान कर रहा हूँ, आपका प्यार बना रहे, ये आप देख सकते हो। अब बताओ अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है, सिस्टमेटिक चाहिए, तो 799 रुपये कौन कौन तैयार है? कोई डाउट है आप मुझे बताओ। सर आपकी वाली वीडियो में पंचायती राज करवा देना, हरियाणा में बहुत आता है, प्लीज। ठीक है, पंचायती राज का टॉपिक मैं करवा दूंगा, मैंने बोल दिया, यूट्यूब पे करवा दूंगा, चलो ठीक है। और बताओ सर हम तो बहुत गरीब हैं, दीक्षित यूपी पुलिस क्रांति बोल रहे हैं, आप बहुत गरीब हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा पंजाब दिल आप कितने में पढ़ाओगे, पंजाबी दी आप कितने में पढ़ाती हो? बेटा सुनो सर आगे वाली वीडियो में, ठीक है मैंने समझा लिया भाई, मैं कर दूंगा। अब मुझे बताओ इससे कम फीस तुम्हें कौन दे रहा है? अगर तुम्हें इससे कम फीस चाहिए तो भाई मुझे बताओ तुम, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इतना बताओ, मुझसे क्या चाहिए ये बताओ, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए ये बताओ।
ये सारी क्लास लाइव रहेंगी, ये सारी की सारी क्लास लाइव रहेंगी। एक बात मुझसे बच्चा पूछ रहा है, सर सब फ्री कर दो। भाई फ्री तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं, और मुझे पैसे नहीं चाहिए यार। मैं कहीं नौकरी कर रहा था वहां के, तुम अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा था, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था, क्या तुम वहां बैच नहीं खरीदते? खरीदते हो वहां पर भी बैच? मुझे तो इतना चाहिए कि जिस सारा सिस्टम चल सके, ये जो बोर्ड लगाया है सारी चीज चल सके। अगर किसी को सिस्टमेटिक बैच चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। आधा 90-30-30-40% गलत पढ़ा पढ़ा के लोग बैच बेच रहे हैं यार, मतलब मैंने कौन सी बुराई कर दी। अगर आपको लेना है सिस्टमेटिक इतनी कम फीस में, आप मुझे बोलो सर इसको कम कर दो। देखो एक सॉल्यूशन है कि अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो कम फीस हो जाती है, मैं से कम भी कर दूंगा, लेकिन 4,999 अगर पॉलिटिकल साइंस की फीस नहीं लूंगा तो लोग कहेंगे यार कुछ पढ़ाता नहीं होगा, बेकार होगा टीचर, बेकार टीचर होगा। 799 नहीं करूंगा, लोग कहेंगे बहुत बेकार टीचर होगा। ये बहुत कम फीस है, नॉमिनल फीसेस है ये, ठीक है। अब आप बताओ क्या चाहिए सर, पॉलिटिकल साइंस बैच कब तक स्टार्ट होगी? भाई बैचेस सारे स्टार्ट कर दे रहा हूं मैं, सबके डेमो मैंने अपने एप्लीकेशन पर डलवा दिए, सबके डेमो डलवा रहा हूं। 10 दिन के अंदर सारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे, जब तक जिसको एडमिशन लेना है वो ले ले, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एडमिशन पहले हो जाए। कई बैचों में एडमिशन हो चुके हैं, इस बैच में खूब एडमिशन हो गए 1499 वाले में, लेकिन मैं स्टार्ट तभी करूंगा क्लास जब सब बच्चे एक बार एडमिशन ले लें, फिर बार बार कोई उसका फायदा नहीं रहता। तो आप अभी डिसाइड कर लें, आज कल परसों, 5 दिन में दे रहा हूं, आज से 5 दिन के अंदर से क्लोज कर देंगे। थोड़ा प्रचार भी हो जाए, कुछ मतलब बच्चों को पता चले, थोड़े ज्यादा एडमिशन होंगे तो फीस में कम करता चला जाऊंगा यार, इसीलिए मैंने प्रोविजन सोचा है। तो आप जो है सोच लें इसके बारे में, सर मैं अनअकैडमी में हूँ, आप वहाँ पढ़ाते हैं क्या? भाई पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाती हूँ, आप बताओ। गीता जी क्या बात कर रही है, सर जेपीएससी के लिए कौन सा बैच लें? बेटा जेपीएससी के लिए मेरे भाई पॉलिटी प्लस गवर्नेंस ले ले 1499 वाला, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता, ये यूपीएससी पीसीएस के लिए बढ़िया बैच है पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। अगर फीस ज्यादा तो मुझे बताओ क्या समस्या क्या है, टेलीग्राम पर लिखो, बताओ सर ये समस्या है। सर आपका बुक मार्केटिंग में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूं मैं, आपका फैन हूं मैं, नाइस क्लास है आपकी, तो सभी बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, ठीक है। अब बताओ, अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है बैच के लिए, एक बार मैसेज करें, एक बार कमेंट करें, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दी बैच, जल्दी से एक बार मैसेज करें भाई, यू आर माई आइडियल, थैंक यू भाई, लव यू यार। आरपीएससी की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सब कुछ, हिंदी, सब पंजाबी, सब पढ़ना पड़ता है भाई। अच्छा ईपीएफओ के लिए बताइए, ईपीएफओ के लिए बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, एनडीए के लिए बताइए, यू आर माई आइडियल, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अब बताओ जरा जल्दी कौन कौन इंटरेस्टेड है, किस किस बैच के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, ये बैच नंबर ए बी और सी, तीन ही आपके सामने है। अब मुझे बताओ एक बार जरा, आई एम यूपीएसआई, ठीक है भाई। अंकित राज आप इंटरेस्टेड हैं, प्रेम राज ओके, कब से होगा ये भी बात है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ सर यूपीएसआई के लिए, सर बुक कौन सी है आपकी? भाई बुक मेरी ईपीएफओ है और पॉलिटी भी आ रही है बहुत जल्दी। अब सर ओके, अच्छा यूपीएसआई के लिए हाँ सर यूपीएसआई के लिए, ठीक है बेटा। एमपीपीसीएस के लिए ये ले ले, देखो पीसीएस के लिए सारे बच्चे याद रखें, देखो पीसीएस वगैरह जो एग्जाम होता है ना, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होता। तो पीसीएस के लिए आप प्री के लिए पॉलिटी प्लस गवर्नेंस दोनों आपको पढ़नी है, पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। तो पॉलिटी प्लस गवर्नेंस के लिए आप 1499 खर्च कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो बताओ, मैं इसे कम कर देता हूं। ज्यादा है क्या फीस? अगर ज्यादा कम करूंगा, क्योंकि इसमें प्री भी कवर होगा प्लस थोड़ा बहुत इसमें मेंस भी कवर होता है, इसकी अप्रोच बहुत अलग रहती है। बताओ कोई दिक्कत है इस बैच में? यूपीएसआई के लिए 999 का बैच ले लो, 999 में मूल विधि प्लस दोनों चीजें ले लो, मूल विधि प्लस संविधान, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग चाहें तो इस बैच की फीस में कम कर सकता हूं। आप बताओ मूल विधि प्लस संविधान 999 का बैच है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 1000 रुपए फीस है। और अगर आपको वन डे का लेना है तो
तो 799 की सिर्फ पॉलिटी ले ले, सारे बैचेस को अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं, इसको अलग पढ़ाऊंगा पूरा, इस बैच के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि ये यूपीएससी का पीसीएस का बैच है। इस बैच का लेवल जो होगा वो बहुत डिफरेंट रहेगा। और ये जो बैचेस है, ये जो बैचेस है, ये वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, किसी भी एग्जाम को आप इसे दे सकते हो। ठीक है, अब बताओ भाई। ठीक है, अब इंक्वायरी कर लेना, आप नंबर पे कॉल कर लेना, आपके डाउट्स जो है आप नंबर पे कॉल कर लेना, 8700 वाले नंबर पे आप लोग फोन कर लेना, इस नंबर पे आप लोग फोन कर लेना। ठीक है, चलो नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। लाइक कर दो सेशन को सारे के सारे, सबने सेशन लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। सर मैं तो आस्था में कोचिंग में हो लेता हूँ, आपकी ऑफलाइन पढ़ता हूँ, एक्चुअली मैं नहीं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, राजस्थान एसआई के लिए, राजस्थान एसआई के लिए काफी है, 999 का बैच काफी है, राजस्थान एसआई के लिए ये काफी है। 799 का बैच ले लो राजस्थान एसआई के लिए, ये काफी है, सफिशियंट है, इससे ज्यादा पढ़ने जरूरत ही नहीं पड़ती उसके लिए। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस क्लास, बाय सर, जय हिंद। जय हिंद भाई, नमस्कार। व्याख्याता के लिए आप, श्याम जी कह रहे हैं व्याख्याता के लिए, व्याख्याता के लिए आप पॉलिटिकल साइंस का बैच लें, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, व्याख्याता परीक्षा अगर आप पॉलिटिकल साइंस देना चाहते हैं तो ये वाला पॉलिटिकल साइंस का बैच लें, मात्र 4999 में, कोई ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। दोबारा लिए करूं क्या, ऑप्शनल से लिया हूं बट नहीं सकते, थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज है। फाइनेंशियल इश्यूज वाले कॉल कर लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम सब ये बोलो कि सर ये करो, करण सर ये करो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं, तुम इस नंबर पे कॉल करो, तुम्हें जो फाइनेंशियल इश्यूज है, तुम्हें जो दिक्कत है, तुम बताओ ये, तुम इस नंबर पे 7897 इस नंबर पे कॉल करो, कॉल करके तुम बताओ कि सर ये इश्यूज है, ये दिक्कत है, तुम सब बताओ ना इस नंबर पे कॉल करके, तब तो कोई डिसीजन होगा ना। तुम बताओगे नहीं तो डिसीजन कैसे होगा। इस नंबर पे कॉल करके बताओ सर ये दिक्कतें हैं, सर हमें ये चाहिए, तुम फोन करो और बताओ। ठीक है, ईपीएफओ के लिए सुनो, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होने वाले 1,00,000, आप प्यार दिखाओगे 1,00,000 हो जाएंगे। किसी दिन में पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की जो पूरी किताब है ना, उसकी एक रात भर की मैराथन लूंगा, रात भर की मैराथन वो मैं कराऊंगा। ईपीएफओ के लिए मैं अपनी खुद की किताब की मैराथन लूंगा, जो करण चौधरी ईपीएफओ बुक है उसकी मैं मैराथन लूंगा एक पूरी रात। ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। पाकिस्तान दिल बहुत बढ़िया, लाइक कर दो भाई, नमस्कार। कमल श्याम स्वामी कह रहे हैं सर बिल्कुल इश्यू नहीं है, फी बिल्कुल कम मत करना। मेरे भाई आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। देखो मैं कोई शिक्षा का दलाल तो हूं नहीं, मैं शिक्षा का दलाल उन्हें मानता हूं जो डेली डिस्काउंट निकाल के शिक्षा की दलाल, मैं तो ये हूं नहीं। मतलब यार मैं इतना बड़ा करोड़पति आदमी नहीं हूं, मैंने कोई 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज नहीं खरीद रखी, मैंने कोई बहुत पैसा नहीं कमा रखा कि मेरे पास कोई भव्य इमारत नहीं है, कोई भव्य ऐसा कुछ नहीं है कि भव्य स्टूडियो हो। पैसे कमाने से सब चीजें भव्य बनती हैं, तो मुझे बस इतना चाहिए कि सिस्टम रन कर सके। तुम इसमें सपोर्ट कर दोगे बहुत बढ़िया, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। मैं तो नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम चाहोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। यार इतना पैसा तो नहीं है कि मैं भव्य एकदम भव्य बिल्डिंग बनवा रखी है, भव्य स्टूडियोज चल रहे हैं, कुछ ऐसा भव्य नहीं है, तो कोई ऐसा पैसा मेरे पास नहीं है। तुम्हारा सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कर दोगे सब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बाय, थैंक यू, लव यू, जय हिंद। कल का टॉपिक का आदेश कर देना, मैं अपने YouTube चैनल पर एक पोल डालूंगा, कल का टॉपिक पूछूंगा कल क्या पढ़ाना है, और कल के टॉपिक का आदेश तुम लोग कर देना, कल का टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। पर मेरे भाई ठीक है, चलो बाय, नमस्कार।